नमस्कार दोस्तों, एमडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुमित राय है और हम आप गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुमित राय है और मैं आपके साथ जो है यहाँ मैराथन क्लास में जो है आपके साइंस के 100 क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या कॉन्सेप्चुअल बेसिस से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आप लाभदायक हैं आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं। साथ ही साथ जो है मैं उन बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, माही जी गुड मॉर्निंग, मनीष गुड मॉर्निंग। और जिनके लिए जो है अभी आफ्टरनून हो गया उनके लिए जो है गुड आफ्टरनून, और जिनके लिए गुड मॉर्निंग है उसके लिए जो है गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, शुरुआत करते हैं हम जो है ऐसे 100 प्रश्नों की जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाने की लगभग जो है 90% संभावनाएँ हैं इसकी। तो साथ ही साथ जो है हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो है कोई भी अपने मन में ऐसे डाउट्स ना रखें। आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स की जितनी भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं और जो थ्योरी है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, एक चैप्टर आपका जो है साउंड हो चुका है, उसको एक बार रिवाइज करूँगा क्योंकि वो यूनिलिंगुअल था, इंग्लिश में केवल था। ठीक है, तो लास्ट में जब समय बचेगा तो उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर जो है क्वेश्चन पहले जो हम उन चीज़ों को टच करेंगे जो अभी एक बार भी नहीं पढ़ाया गया है। तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन इसी के साथ। तो इसमें जो है आपके फिजिक्स और बायोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा भाग जिसको हम एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ लाइट के भी क्वेश्चन हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो लाइट के ही आएंगे। तो लाइट से न्यूमेरिकल और जो आपके जो जितने भी जो है लेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो है मिरर से पूछे जाते हैं, दर्पण से, ठीक है, या फिर ह्यूमन आई से पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इसमें डाउट ना रखें। वैसे ही समय जो है थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा हो चुका है, इसके लिए हम ऑफिशियली आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आते हैं क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और कम समय में जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। विवेक जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। शिवांग जी गुड मॉर्निंग। आते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। कार्ल लीनियस इज नोन एज, ठीक है, कार्ल लीनियस को जो है किस नाम रूप से जाना जाता है या किस काम के लिए जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम एंड फादर ऑफ एनिमल साइंस। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन देंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अरविंद जी, सबके लिए गुड आफ्टरनून। जिनके लिए मॉर्निंग है उनके लिए मॉर्निंग, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत से बच्चों का ए ऑप्शन आने लगा है। और जो है इसी के साथ जो हम बात करते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं इनको, ठीक है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, ये ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था सबसे पहले, जो है जो पादपों का वर्गीकरण जो है अपने पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचर में और जो है और सारी भी इनके किताबें हैं जिसमें किया था। इनके लगभग 4-5 किताबें हैं, नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। सिस्टेमा नेचर है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जेनेरा प्लांटेरम है, ठीक है, स्पेसीज प्लांटेरम है, ठीक है, उसके बाद जो है फिलॉसफिया बॉटनिका है। तो ये 4 पुस्तकें इनकी हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे जो है कंपटीशन में ये 4 किताबें जो है पूछा, और भी किताबें हैं, 5-7 किताबों का नाम बताएंगे। इससे बाहर जो है कई किताबें आपको बायोलॉजी से कहीं नहीं पूछी जाएंगी, किसी भी कंपटीशन में चले जाइए, एब्सेट मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो आपके जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो है सिविल तक, उसमें यही 8-9 किताबों को पूछा जाता है। जैसे जो है अरस्तु द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिया जो है एनिमेलियम के नाम से, थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से, फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक के द्वारा एक किताब है आपकी माइक्रोग्राफिया करके, जिसमें उन्होंने जो है अपने प्रकाशन को दिया था, ठीक है। तो ये सारी किताबें हम लास्ट में जो है इनको लिखवा देंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका कार्ल लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होगा। आंसर पे, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लीनियर हैरार्की, जो लीनियस की हैरार्की थी, पदानुक्रम था, उसमें जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा गया है। जल्दी से क्वेश्चन पे आएंगे। अजय गुप्ता जी नेक्स्ट पे आ गए हैं, जल्दी से आइए आप भी नेक्स्ट पे। हाँ रूपा जी ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये बच्चों ने ऑप्शन ए और हिमांशु जी सी ऑप्शन, ज्योति सिंह बी ऑप्शन, ज्योति गुप्ता बी ऑप्शन। तो ये बहुत जो है क्या कह रहा है कि इसको लीनियर हायरार्की में सजाइए। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, ठीक है। पहला क्या आता है, किंगडम। फिर उसके बाद जो है क्या आता है, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर जो है स्पेसीज। ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है किंगडम, इसमें क्या दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। स्पेसीज सबसे छोटी, किसी भी हायरार्की की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। और जो है लीनियस ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम दिया था, पहला नाम जीनस नेम होता है। जैसे जो है पैंथेरा लियो या पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का जो नाम है वैज्ञानिक, तो उसमें पैंथेरा उसके क्या है, जीनस का नाम है, और जो है टिग्रिस जो है उसके स्पेसीज का नाम है, ठीक है। तो ये दो नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है लीनियस ने दी थी, और ये उनकी हायरार्की है। सबसे पहले किंगडम होगा, फाइलम होगा, फिर क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगी, फिर जीनस होगा, फिर स्पेसीज होगा। इसको याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरार्की ऑफ द जूलॉजिकल, वही क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आंसर में जल्दी से आंसर देंगे इसका। ठीक है, डी ऑप्शन, आर के कश्यप जी डी ऑप्शन, विनय कुमार सी ऑप्शन, ज्योतिषी इंशा डी ऑप्शन, रूपम डी ऑप्शन। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, इसमें से खाली किंगडम हटा दिया गया। तो फिर क्या होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर जो है फैमिली, फिर जी, ऐसे यही क्रम होना चाहिए। तो फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसका आंसर जो है क्या हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन जो है इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच किंगडम वुड यू put an organism that is unicellular eukaryotic फोटोसिंथेटिक, ठीक है। कौन से ऐसे जीव जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक होगा, उसको किस जो है जगत में रखा जाएगा, जल्दी से ऑप्शन बताएंगे। एमडी सलमान बी ऑप्शन, अजय कुमार बी, अजय गुप्ता जी सी ऑप्शन, रंजीत डी। अच्छा आते क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर, ये कैसा होना चाहिए, एक कोशिकीय होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, ये यूकैरियोटिक होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए। और तीसरा क्या बात कर रहा है, फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गन जो फोटोसिंथेसिस करता हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए इसमें। तो ऐसा जो है जीव जो एक कोशिकीय हो और जो है यूकैरियोटिक हो, वो किसमें रखा जाता है, प्रोटिस्टा में। किसमें रखा जाता है, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में दो तरीके के जीव आते हैं, ठीक है। पहला जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। और एक क्या कहते हैं, प्रोटोफाइटा, ठीक है। प्रोटोफाइटा में जो है क्लेमाइडोमोनास आता है, जिसमें जो है कप के आकार का क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ऐसा जीव है, प्रोटिस्टा है, जिसमें जो है इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बनी होती है, एक तरीके की ये शैवाल होती है, एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल। ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या, कैसा कप के आकार का क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है इसमें, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये प्रोटोजोआ में जो है अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह आते हैं, ठीक है। मोनेरा में कैसे आते हैं, एक कोशिकीय ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक नहीं बल्कि क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो वो कैसे में आ जाते हैं? मोनेरा में। तो ये याद रखिएगा, बस यही क्वेश्चन में यहाँ पे जो है यूकैरियोटिक जगह जो है प्रोकैरियोटिक रख देता और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रहता, तो ये मोनेरा का क्या हो जाता, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाते, ठीक है, जीवाणु। तो ये याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया वगैरह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू वेटेकर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन द डैश किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। विटकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार ऐसे जीव जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो किस किंगडम में रखा जाता है? जल्दी से क्वेश्चन पे आएंगे। विनोद जी ये ऑप्शन आना शुरू हो गया, 5 का डी ऑप्शन आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। आनंद जी डी ऑप्शन, एम डी डी ऑप्शन, अजय सी ऑप्शन, ठीक है। आते क्वेश्चन पे, होता क्या कि एक को अभी इसके पहले ही डिस्कस किया गया था कि जो ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें जो है कौन सा जीव एक कोशिकीय जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो, क्या नहीं पाया जाता हो, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो किस में आएगा? मोनेरा में आ जाएगा। अभी बताया गया है कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? मोनेरा में, ठीक है। इसको जो है प्रोटिस्टा को ये हेकल ने दिया था, इसको हम किसने दिया था? हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल। और इसको कोपलैंड ने, याद रखिएगा इस फाइलम का नाम जो है किसने दिया था? कोपलैंड ने। आगे चलते हैं, मोनेरा सही होगा। मल्टी सेलुलर एनिमल विदाउट सेल वॉल कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, बहुकोशिकीय जंतु जो जिनमें जो है क्या नहीं पाई जाती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है, किसमें रखे जा सकते हैं? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। आनंद जी 6 का ए, बहुत सही। सुमन जी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एमडी जी सी ऑप्शन, बहुत सही। आते हैं मनीषा जी ए ऑप्शन, राजू जी ए ऑप्शन, हिमांशु जी सी ऑप्शन, ठीक है। आते हैं रूपम जी, चलिए आते हैं इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बहुकोशिकीय जिसमें जिसको जो है क्या कहते हैं? विदाउट सेल वॉल हो, ठीक है। इसमें एनिमेलिया जिसमें सेल वॉल पाई जाती है उसको किसमें रखते हैं? प्लांट में। तो ये जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो किसमें आ जाएगा? एनिमेलिया में। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना होता है इनका शरीर। तो ये याद रखेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता न्यूक्लियस, इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, बस इसी का अंतर है, ठीक है। इसको किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने। इसको मोनेरा को किसने दिया था? जो है कोपलैंड ने, ठीक है। ये दोनों जो है लीनियस ने क्लासिफाई किया था, एनिमल और प्लांट। आगे चलते हैं, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने भागों में पूछा जा चुका है? आपके क्वेश्चन में 2018 में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। रंजीव कुमार, ठीक है। ममता जी आप 5th का, विनोद जी डी ऑप्शन। अच्छा 5वें वाला जो है क्या ऑप्शन होगा, ये डाउट है क्या? अभी एनिमेलिया होगा। कैवेलियर स्मिथ वाला बताया जल्दी से। बी का 5 नहीं, इसका 6 होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 भागों में बांटा था, ठीक है। कैवेलियर स्मिथ ने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। आगे चलते हैं, सिस्टेमा नेचर आ गया वही, ठीक है। सिस्टेमा नेचर किसने लिखा था? जल्दी से बताएंगे, अभी बताया गया है आप लोगों को। आर के कश्यप जी डी ऑप्शन, अरुण डी ऑप्शन, लालिमा जी 6। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, विनोद जी सी ऑप्शन, वर्षा जी सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन बहुत लोगों का है, ठीक है। कार्लोस लीनियस सही होगा, कार्लोस लीनियस इज द राइट आंसर। होता क्या है इसमें जो है इनकी 4 किताबें, रट लो कौन कौन सी जो है। एक पहला सिस्टेमा नेचर, फिर दूसरा जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, दूसरा क्या है स्पेसीज प्लांटेरम, ये यही रहेगा। और तीसरा है फिलासफिया बॉटेनिका, ये चारों किताब इनकी जो है पूछी जाती है, बदल बदल के अल्टरनेट करके पूछी जाती है। तो ये याद रखेंगे कि जो है लीनियस की चारों किताब कौन कौन सी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सिस्टेमा नेचर, ठीक है, क्लासिफिकेशन इन्हीं में भी किया था इन्होंने, ठीक है। बाकी ये 3 किताबें और हैं, इसको याद रखेंगे। कैरलस लीनियस, अरस्तु ने कौन सा लिखा था? अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखा था। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम अगर यहाँ पे लग जाए तो यहाँ पे थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। अगर हिस्टोरिया एनिमेलियम की जगह प्लांटेरम आ जाएगा तो क्या करेंगे? थियोफ्रेस्टस। इनको जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, इनको फादर ऑफ बाटनी। बाटनी कौन पढ़ता है? प्लांट। बाटनी में क्या पढ़ते हैं? प्लांट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लांट रहेगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, और जो है एनिमल रहेगा तो जो है अरस्तु रहेंगे। आगे चलते हैं, क्लेमाइडोमोनास बिलोंग टू विच ऑफ द, अभी वही क्वेश्चन बताए थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वही आ गया, जल्दी से करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन दिख तो रहा है सबको। विनोद कुमार, बी ऑप्शन। आर के, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए ठीक है, बहुत सही। बहुत लोगों का बी और डी में कंफ्यूजन है, तो क्या कहते हैं क्लेमाइडोमोनास जो है, अभी बताएं क्लेमाइडोमोनास जो है क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक जीव होता है, और किसमें रखा जाता है? प्रोटिस्टा में रखा जाता है। लेकिन कैसा होता है? प्लांट का कैरेक्टर होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। ऐसे जीव जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हों और फोटोसिंथेसिस करते हों उनको प्रोटोफाइटा कहते हैं, वो भी प्रोटिस्टा में होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे ही होते हैं सिमिलर, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनको प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, ये सारे जो है प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स जो है, ये सारे जो है क्या होते हैं? ओइडोगोनियम वगैरह, ये सारे के सारे जो है नाम जितने हैं याद रख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे के सारे जो है प्रोटोफाइटा होते हैं, तो प्रोटिस्टा में दोनों आते हैं। प्रोटिस्टा की ही डिफिनीशन है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, प्रोटिस्टा की डिफिनीशन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, और मोनेरा की डिफिनीशन एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। बस इतना याद रखेंगे, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो इसका जो है क्या होगा? किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। किंगडम कौन से? प्रोटिस्टा में आएंगे। प्लांट तो होते हैं, लेकिन जो है बहुकोशिकीय पादपों को इसमें रखा जाता है, ठीक है, मोर देन 1 सेल के। ये एक कोशिकीय ही होते हैं क्लेमाइडोमोनास। अभी बताया गया है इसमें कप शेप्ड, कप के आकार का क्या पाया जाता है? कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मल्टीपल फ्यूजन? मल्टीपल फ्यूजन यानी कि बहुविखंडन से, कई टुकड़े में टूट कर कौन सा जीव जो है इसमें से प्रजनन की प्रक्रिया करता है? जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन, सुमन जी, कुसुम जी ए ऑप्शन, आर के सी ऑप्शन, राजू जी सी ऑप्शन, विनय ए ऑप्शन, ठीक है, रीता जी 10 का ए ऑप्शन। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल फ्यूजन से जो है बहुत से सारे टुकड़े में टूट जाता है और उसके बाद जो है क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो ये कौन होगा? प्लाज्मोडियम का जो है ये होता है, किसका होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक तरीके का क्या होता है? जो है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। और जो है एक कोशिकीय, ये किसमें आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा। किसमें आएगा? प्रोटोजोआ, यानी प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ में आएगा, ठीक है। और ये क्या करता है? मलेरियल पैरासाइट होता है, याद रखिएगा, इसी से मलेरिया होता है। जब इसका शरीर छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, हर एक टुकड़ा जो है प्लाज्मोडियम को बनाने का क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। इसी को हम क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, फ्यूजन मतलब टूटना, बहुत सारे टुकड़ों में टूट के यह क्या करता है जो है अपना प्रजनन की प्रक्रिया करता है। हर एक टुकड़ा नए जीव का फॉर्मेशन कर देता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी ट्राई करेंगे इसको। जल्दी से करेंगे। रिप्रोडक्शन आकर्ष इन थ्रू बाय बाइनरी फ्यूजन। जल्दी से बताएंगे। बी ऑप्शन, कुछ लोगों का ये ऑप्शन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की जो प्रक्रिया है विखंडन की प्रक्रिया से होता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसमें भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। विखंडन, क्या बाइनरी फ्यूजन था या विखंडन था, ठीक है, अच्छा बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है। ये थोड़ा अलग प्रोसेस होती है, ठीक है, याद रखेंगे। जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा और प्लाज्मोडियम में अलग होता है। इसका हर एक टुकड़ा जो है, जितना भी टुकड़ा होगा वो जो है क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन, कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा और जो है नए जीव का फॉर्मेशन कर देगा। इसमें क्या होता है, सेल जो है दो भागों में, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, फ्यूजन मतलब टूटना, मल्टीपल मतलब कई सारे, फ्यूजन मतलब टूटना। तो ये मल्टीपल फ्यूजन होता है, इसमें जो है बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा में कैसा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें कैसा होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो ये याद रखिएगा, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन, याद रखेंगे। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपके कई बार पूछा जा चुका है, 18 में, 15 में, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is an example of unicellular organism? इनमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है, जल्दी से बताएंगे। प्रोटोजोआ, ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। ए ऑप्शन, विनोद जी ए ऑप्शन, सिंह जी ए ऑप्शन, रवि जी ए ऑप्शन, ठीक है, बहुत लोगों का ये ऑप्शन आता है, ठीक, बहुत अच्छे बच्चों। ये क्या है, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, याद रखेंगे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और जहां पे प्रोकैरियोटिक आया तुरंत जो है मोनेरा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों को जो है किसमें रखा जाता है, यूनिसेलुलर जीवों को प्रोटोजोआ में, ठीक है। अब ये प्रोटोफाइटा अगर प्रकाश संश्लेषी है तो प्रोटोफाइटा, अगर जो है प्रकाश संश्लेषी नहीं है तो प्रोटोजोआ। आगे चलते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम आर नॉन मोटाइल, कौन से जो है फाइलम के जीव जो है नॉन मोटाइल, गमन नहीं करते, गति नहीं करते हैं, जल्दी से बताएंगे। किस फाइलम के जीव जो है गमन या गति नहीं करते हैं, ठीक है। विक्रम कुमार जो है ए ऑप्शन आने लगा है, रीता जी ए ऑप्शन, विकास जी ए ऑप्शन, विनोद जी ए ऑप्शन, बहुत लोगों का ए ऑप्शन है, ठीक है। पोरीफेरा, वेरी गुड, ठीक है। क्या है पोरीफेरा, पोरी मतलब होता है छिद्र, ठीक है, क्या होता है, पोरी मतलब होता है छिद्र, ठीक है। पोरस होती है इनकी, इनका शरीर कैसा होता है, छिद्र युक्त, जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आस्टिया कहते हैं। और एक कामन ऊपर की तरफ बड़ा छेद होता है, उसको आस्कुलम कहते हैं। पानी जो है इसके अंदर आता है और जो है इधर की तरफ से निकल जाता है, तो सारे छेद से पानी आता है, इसी के साथ खाना, ऑक्सीजन वगैरह सब आता है। तो पोरीफेरा जंतुओं, स्पंज देखें, स्पंज में कितने छेद होते हैं, ठीक, वह यही स्पंज ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक सबस्टेशन से किसी भी जो है आधार से लगा हुआ होता है, सागर में या फ्रेश वाटर स्पंज है तो नदी के जल में पत्थर वगैरह पे जो है क्या होता है, जुड़े होते हैं, तो ये गति नहीं करते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो ऐसे जीव है, जीवों का ये कैरेक्टर ठीक है। तो इसमें बताना है कि इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है किसके किसके में नहीं पाई जाती है, थोड़ा सा जो है सिस्टम का प्रॉब्लम था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, स्पंजों में जो है क्या नहीं होता है, या फिर इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जल्दी से बताएंगे। ए आई ओ ए ऑप्शन, दीपाली जी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सूर्य ज्ञान विजय जी ए ऑप्शन, बालाजी स्पंज ठीक है गुड। ये क्या होता है? ये स्पंज होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। वाटर करंट जो पानी की धाराएं हैं छेदों से आती रहती हैं, उसी के साथ ऑक्सीजन आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है यूज खत्म हो गया। एक्सक्रेटरी पानी जो है ऑस्कुलम से बाहर निकल जा रहा है तो एक्सक्रीशन हो ही रहा है, क्या जरूरत है। सर्कुलेटरी सिस्टम पानी हर इसके चीज़ों को यहाँ पर पहुँचा ही देता है तो क्या जरूरत है ठीक है। तो जो है ये इसकी जरूरत नहीं होती है स्पंजों में। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्पंज इन बायोलॉजी ठीक है। स्पंज जो है बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, यह एक तरीके का क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है एक तरीके का, जल्दी से बताएंगे। ए फंगस एक जो है फंजाई है, ए फॉसिल एक जीवाश्म है, प्लांट एक पौधा है, एन एनिमल एक जीव है। ए ऑप्शन बहुत लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। फंगस कहाँ से है अभी बताए तुम लोगों को ठीक, इसका जो है क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। एक तरीके का जंतु होता है ठीक है। सबसे पहला जंतु कहाँ से शुरू होता है, प्रोटोजोआ ठीक है। इसके बाद दूसरा जीव है वो जो सबसे लेस्ट डेवलप्ड एक कोशिकीय होते हैं, पहला जो बहुकोशिकीय जीव होता है ठीक है। ये क्या होता है, स्पंज होता है ठीक है, जिसको जो है पोरीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरीफेरा ठीक है। ये स्पंज या पोरीफेरा कहते हैं इसको। तो पहला दूसरा जो है जीव है मल्टी सेलुलर, पहला जीव है, और दूसरा सबसे सरल जीव जो होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं, और सबसे सरल पादप प्रोटोफाइटा ठीक है। तो प्रोटोजोआ के बाद दूसरा जीव जो होता है वो स्पंज होता है, जो बहुकोशिकीय होता है पहला ठीक है। इसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, इसके शरीर जो है बहुकोशिका होता है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं पूरे जो है शरीर के चारों तरफ। तो ये याद रखेंगे, पहला बहुकोशिकीय जंतु है ये। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द सेल, जल्दी से बताएंगे। क्या हो गया, ठीक है। तो इसमें जल्दी से क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे ठीक है। बी ऑप्शन रवि जी बी ऑप्शन पे आ गए ठीक है। ए आई ओ जो है डी ऑप्शन रवि जी ठीक है, डी ऑप्शन। सबका थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, थोड़ा सा उसको जो है इग्नोर करेंगे ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि बॉडी जो है किसकी 2 लेयर से बनी होती है, 2 झिल्लियों से। तो ये इसका ऑप्शन भी जो है क्या हो जाएगा, ये जो है पहले जो है टेपवर्म जो है जितने होते हैं वो उसमें जो है लीवर फ्लूक और ये सारे आते हैं ठीक है, चपटे कीमड़ी। और हाइड्रा जो होता है ये हमारा जो है सिलेंट्रेटा फैमिली, पहला जो है सिलेंट्रेटा फैमिली। तो इसमें जो है द्वारी झिल्ली से हाइड्रा जो है क्या होगा, बना होगा ठीक है। हाइड्रा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा बता दें, इसका शरीर जो है एक झिल्ली दूसरे झिल्ली से बना होता है ठीक है। ये कोशिकाओं से बनी झिल्लियाँ होती हैं। तो ये दो स्तर पाए जाते हैं कोशिकाओं के ठीक है। हमारे में कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। तो और जो निचले जीव होते हैं उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 झिल्लियों से बने हुए। और हम कैसे हैं, ट्रिपलोब्लास्टिक है, ट्रिपल मतलब 3, तो 13 झिल्ली हमारे में पाई जाती है। तो हाइड्रा वगैरह में कैसे पाया जाता है, हाइड्रा ऐसा ही होता है जैसे जो है आप फ्लास्क देखते हैं ना पौधा रखने वाला ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये टेंटिकल जो है पाए जाते हैं इस पर, तो ये ऐसा ही होता है। तो इसका शरीर जो है 2 झिल्लियों से बना होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं ठीक है। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन में आकर बाई बडिंग इन, मुकुलन से जो है प्रजनन की प्रक्रिया किसमें होती है मुकुलन से किसकी जो है प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन की, जल्दी से बताएंगे। हाइड्रा गुड ठीक है। तो हाइड्रा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन क्या होता है, बडिंग जो होती है, बडिंग की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रा में होती है। होता क्या है कि एक जो है हाइड्रा से जो है ऐसे जो है कली की तरह निकलता है, ठीक है, ऐसे बाहर कली की तरफ निकलता है और ये पूरे शरीर से फिर अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं या फिर बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग या मुकुलन। आगे चलते हैं। हाइड्रा में दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक मुकुलन यानी इस मेथड से, बडिंग की मेथड से, और दूसरा जो होता है वो रीजनरेशन, ठीक है, पुनरुद्भवन जिसको कहते हैं, रीजनरेशन के माध्यम से होता है। तो दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रीजनरेशन के माध्यम से कौन सा जीव प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, रीजनरेशन के माध्यम से कौन सा जीव प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, सी ऑप्शन हाइड्रा सही हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हाइड्रा, हाइड्रा फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, क्या होता है, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। संघ का जीव होता है, याद रखेंगे। इसी संघ में आपका मूंगा भी पाया जाता है, जिसको कोरल कहते हैं। क्या पाया जाता है, मूंगा या कोरल। ठीक है, इसी संघ में हाइड्रा भी पाया जाता है, मूंगा भी पाया जाता है और जो है जेलीफिश वगैरह भी पाई जाती है। तो याद रखेंगे, इस बात को पूछा जाता है। सिलेंट्रेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संघ है, जिसमें जो है ये ऐसे चप्पू की तरह जो है घोड़े की जो है उसके चप्पू की तरह जो है क्या, जिससे मकोड़े की तरह इससे निकले होते हैं और इसमें दंश कोशिकाएं निमेटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इससे निश्चेतित कर देते हैं अपने शिकार को। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। यहीं से बताया गया था आप लोगों को कि पहला ऊतक की शुरुआत जो होती है, ऊतक टिश्यू की, वो यहीं से होती है। नर्वस सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। आगे चलते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, इनमें से हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है क्या करती हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करती हैं। जल्दी से बताएंगे, विखंडन, बीजाणु पीढ़ी, नवोद्भिद, पुनर्जनन। ठीक है, बडिंग, ये बडिंग को जो है मुकुलन कर लीजिएगा, हिंदी में, शुद्ध हिंदी मुकुलन होती है। ठीक है, कली, कली होता है, बट्स मतलब कली। जल्दी से बताएंगे, बडिंग, बी ऑप्शन आने लगे बच्चों के, सी ऑप्शन कुछ लोगों के, डी ऑप्शन, लालिमा जी डी ऑप्शन, विजय जी सी ऑप्शन, ठीक है, रूपम जी बी ऑप्शन। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, हाइड्रा स्टारफिश इन सब में जो है, ठीक है, हाइड्रा में तो बडिंग के माध्यम से होता है, लेकिन स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है ये अलग अलग जो है संघ के हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बडिंग के माध्यम से नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन से, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से जो है इन दोनों में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, इन दोनों में, स्टारफिश और प्लेनेरिया दोनों में होता है और साथ ही साथ हाइड्रा में भी होता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। खाली हाइड्रा होता तो बडिंग और ये दोनों सही होता। आगे चलते। विच फाइलम ऑफ एनिमल इज आल्सो कॉल्ड द फ्लैट वर्म। इनमें से जो है चपटा कृमि किस संघ के जंतुओं को कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। चपटा कृमि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुनर्जनन उसका सही होगा, सही बात है। प्रवीण कुमार जी डी ऑप्शन, डिपमोर डी ऑप्शन, विजय जी एक्स, विजय जी सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, आते हैं, दीपाल जी सी ऑप्शन। इसमें क्या है कि विच कह रहा है कि इनमें से जो है कौन फ्लैट वन कहा जाता है, चपटा कृमि। प्लेटी हेलमेंथीज, जितने संघ के जंतु होते हैं प्लेटी हेलमेंथीज, इस संघ के जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लैटवर्म। इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, फीते की तरह होता है। कैसा होता है, फीते की तरह, चपटा होता है, चौड़ा होता है और पतला होता है। ठीक है, तो ये चपटे कृमि कहलाते हैं। ठीक है, इस संघ के जो दो उदाहरण जो है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है, जो पेट में केचुए पड़ जाते हैं वो यही है। फिर इसके बाद एक लीवर फ्लूक होता है, इनका शरीर बिल्कुल चपटा होता है और खंडों में बटा होता है, याद रखेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट एनिमल है, प्लेनेरिया भी इसी में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फीता कृमि हिंदी में कहते थे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल है वेरी सिंपल आई, इनमें से कौन सा जीव जो है सबसे सरल आंख रखता है। इनफैक्ट द ओनली आई स्पॉट दैट रिकॉग्नाइज लाइट, वास्तव में यह एक तरीके का बस एक जो है क्या होता है धब्बा होता है जो लाइट की सेंसिंग करता है, लाइट को जो है क्या करता है पहचानता है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। विवेक राघव डी ऑप्शन, विजय जी डी ऑप्शन, गिरीश जी सी ऑप्शन, विशाल गुप्ता मनीष जी डी ऑप्शन टेप वर्म। ठीक है, क्या होता है टेप वर्म। इनमें हाँ सिंपल आई अभी बताए थे उसमें जो है क्या होता है टीनिया सोलियम होता है, लिवर फ्लूक होता है और एक प्लेनेरिया होता है। तो जो प्लेनेरिया होता है ठीक है, जो आपका जो संघ है प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म में ये भी आता है प्लेनेरिया। तो ये एक ऐसे जो है ऐसा जीव होता है ठीक है, जो ऐसे जीव होता है इस पे स्पॉट पाए जाते हैं। ये आंख नहीं होती है बल्कि आंख की तरह स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं जो लाइट को पहचानते हैं। तो प्लेनेरिया में ऐसा होता है, याद रखेंगे ठीक है। प्लेनेरिया ये भी किस में पाया जाता है, फीता कृमि है ये भी, टीनिया सोलियम के साथ ही, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोजीनियस पैरासाइट, अंदर की तरफ जो है एक पैरासाइट होता है। इनमें से कौन सा जो है अंतरजात परजीवी का एक उदाहरण है। फीता कृमि, शरीर का जूं, टीक, बाल जूं ठीक है, हेयर लाइस। ठीक, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ए ऑप्शन उत्तम जी, बी ऑप्शन महेश जी, बी ऑप्शन टिम्पो जी, ए ऑप्शन विनोद जी, ए ऑप्शन विजय जी, ए ऑप्शन ठीक है, रजनीश जी ए ऑप्शन, राजनाथ जी था सॉरी। आता है क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक अंतः परजीवी है ठीक है। बॉडी लाइस ये बाहर त्वचा पे पाए जाते हैं, टिक्स ये भी बाहरी पाए जाते हैं, हेयर बाहरी पाए जाते हैं ठीक है। टेप वर्म जो होता है अभी जो बताए थे, फीता कृमि टेप वर्म जो होता है वो जो है जिसमें जो है प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम पाए जाते हैं, ये हमारी आंत के परजीवी होते हैं ठीक है। टीनिया सोलियम हमारी कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। जो पेट वाले जो कीड़े होते हैं वो जो है यही होते हैं ठीक है, लंबे लंबे। तो इसको जो है टीनिया सोलियम जो है टीनियासिस वगैरह का रोग होता है। तो ये याद रखेंगे कि ये टेप वर्म होगा ठीक है, हमारा अंतः परजीवी होता है और अनाक्षी शोषण करता है। नेम एज ए फ्लैट वर्म हैज वेरी सिंपल आइज दैट, वही आ गया फिर प्लेनेरिया इसका भी आंसर होगा। तो इसको बताने का कोई जो है ऑप्शन नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है, सिंपल आइज जिसमें होती है। हाँ 24 है, डैश इज जनरल नेम ऑफ एस्कैरिस होगा, यहाँ पे सही करिए। ठीक है, इनमें से कौन जो है किसका नाम जो है जनरल नेम जो है एस्कैरिस होता है, जल्दी से बताएंगे। प्रवीण जी बी ऑप्शन एस्कैरिस, कुसुम जी बी ऑप्शन, विनोद जी सी ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो है पिन वर्म, हुक वर्म जो है टीनिया में होता है ठीक है, अर्थ वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म। तो ये इसमें जो है एस्कैरिस जो है क्या होता है राउंड वर्म होता है। टेप वर्म में जो है टीनिया सोलियम वगैरह आते थे। राउंड वर्म में जो है एक ऐसे जो है देखा होगा फिगर आप लोगों ने, केचुआ नहीं होता है लेकिन क्या होता है केचुए की तरह होता है। ये भी हमारे अंतः परजीवी होता है, आंत वगैरह में पाया जाता है एस्कैरिस ठीक है। और इसकी मेल थोड़ी, फीमेल जो है बड़ी होती है, मेल थोड़ा छोटा होता है। इनमें प्रोटेंडरी पाई जाती है दोनों में जो है। और ये आगे चलते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। और जैसे फ्लैट वर्म जो चपटे होते थे, इनका शरीर गोल होता है, इसीलिए हम इनको राउंड वर्म कहते हैं। सभी कीड़े हैं ठीक है, ये राउंड वर्म कहलाते हैं। आगे चलते हैं, एस्कैरिस राउंड वर्म ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एनिलीडा, इनमें से कौन जो है क्लास एनिलीडा से संबंधित नहीं है। एस्कैरिस जो है क्लास एनिलीडा से संबंधित है, तो बाकी जो है और क्या होंगे, सॉरी एस्कैरिस जो है आपके राउंड वर्म जो है से संबंधित है, बाकी जो है नेरिस जो है और लीच जो है ये तीनों के तीनों जो है किस में आते हैं, ये तीनों के तीनों जो है आपके जो है संघ एनिलीडा में आते हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं, नेरिस नहीं, अलग नहीं है नेरिस, खाली एस्कैरिस जो होता है वो निमेटी हेलमेंथीज में आता है। ठीक है, प्लेटी हेलमेंथीज फ्लैट वर्म को कहते हैं, फिर निमेटी हेलमेंथीज, फिर एस्कैरिस वगैरह या राउंड वर्म वाले आते हैं, फिर उसके बाद जो है एनिलीडा संघ आता है जिसमें जो है क्या होता है सिलोम वगैरह जो है पाया जाता है और बॉडी जो है क्या होती है बाइलेटरल जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। और साथ ही साथ ये इनके तीन उदाहरण हैं नेरिस लीच, ये तीनों याद रखेंगे, ये दोनों तो बहुत हमारे कॉमन लाइफ से जुड़े होते हैं। कौन कौन से, अर्थवर्म और जोंक जो होती है लीच। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, ये किससे संबंधित है, एनिलीडा से संबंधित है। ठीक है, एस्कैरिस इससे संबंधित नहीं है, ये किस संघ का है, निमेटी हेलमेंथीज का है। आगे चलते हैं। Which one of the following organism does not reproduce by budding? इनमें से मुकुलन से कौन जो है प्रजनन नहीं करता है, जल्दी से बताएंगे। मूंगा, हाइड्रा, हिड्रा नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा, हाइड्रा होगा। ठीक है, स्पंजेस एनिलीडा, ठीक है, स्पंज और एनिलीडा मुकुलन से कौन जो है प्रजनन नहीं करता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। डी ऑप्शन विजय जी, विजय कुमार डी ऑप्शन, नीतीश निशांत कुमार ए ऑप्शन, बहुत सही संजय जी, सुधीर जी डी ऑप्शन स्पंजेस। ठीक है, आते हैं इस पे जो है बडिंग के माध्यम से जो है कौन करता है, अभी बताया गया है बडिंग के माध्यम से जो है रिप्रोडक्शन जो है हाइड्रा करता ही है। ठीक है, हाइड्रा इसी संघ का कोरल भी है तो ये भी करता होगा, स्पंजेस भी करते हैं, एनिलीडा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं जिसमें जो है केचुआ आपका जोंक वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों करते हैं, स्पंज भी करता है, हाइड्रा भी करता है, और ये दोनों तो एक ही संघ के हैं तो करेंगे ही करेंगे। अर्थवर्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, हमारा जो अर्थवर्म है ठीक है जो केचुआ है वो किस संघ से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। कुसुम जी का आंसर भी आने लगा ए ऑप्शन, संदीप बघेल जी एनिलीडा, बहुत अच्छे, मोनू जी सी ऑप्शन, बहुत अच्छे, इसका सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वही केचुआ और जो किसी फाइलम में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको। एनिलीडा मतलब एनिलीडा नहीं दिखाई देना चाहिए, केचुआ और जोंक दिखाई देना चाहिए आपको। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन आकर्ष इन, जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो है पूछा गया है। आरके जी ए ऑप्शन, आरके कश्यप, सौरभ जी सी ऑप्शन, बहुत लोगों का सी ऑप्शन। ठीक है, अर्थवर्म गुड, ये जो है हमारा जो है अर्थवर्म में जो है पाया जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। जब ये अर्थवर्म जो होता है इसकी जो त्वचा होती है वो गीली होती है और इस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे चिपक के ऑक्सीजन वगैरह जो है इसके अंदर प्रवेश करती हैं। और भी तरीके हैं, ट्रैकिया है, बुकलंग है, वो आर्थ्रोपोडा में जाता है। और हम गिल्स जो है किसमें, गलफड़े जो है मछलियों और उभयचरों में होता है और फेफड़े जो है उभयचरों और जो है उससे ऊपर के सभी जीवों में होता है। तो उभयचरों में दोनों पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में ट्रैकिया नलिकाएं होती हैं शरीर में घुसी हुई, ऐसे ये जीव है तो इसके शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है, इसको ट्रैकिया कहते हैं, बुकलंग वगैरह कहते हैं, इस तरीके का होता है। और जो है बाकी जो है तो ये याद रखेंगे, जो ट्रैकिया और बुकलंग ऐसा अलग तरीके का पूछेगा तो हम आर्थ्रोपोडा का मक्खी मच्छर जो भी रहेगा, तिलचट्टा में बुकलंग वगैरह से होता है तो वो लगा देंगे, ऑप्शन सही बस होना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। तो केचुआ वगैरह में जो है क्यूटिकल से, बाकी आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, बाकी सब में गलफड़े और फेफड़े से होता है, बस एक उभयचर है जो दोनों से करता है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फाइलम, जो जीव है किस संघ से संबंधित है, हैव ज्वाइंट लेग्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो जीव है जिसके पैर जो है अपेंडेजेस जो होते हैं, अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन से फाइलम के जीवों का जो है उपांग जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जल्दी से सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। आर्थो मतलब होता ही है, क्या होता है आर्थ्रोज, पोडा मतलब आर्गन होता है, अंग होता है, और आर्थो मतलब होता है जुड़ना, फिक्स। देखेंगे मक्खी मच्छर के जो पैर होंगे वो कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक, जगह जगह से जो है जुड़े रहते हैं। और जो है इनमें जो है कैसा, इनका जो कंकाल होता है, इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बही कंकाल पाया जाता है। ये दो आर्थ्रोपोडा के बहुत विशेष लक्षण है कि इनके उपांग जो होते हैं, यानी कि हाथ पैर ये सब जो है, जो इनका जो है माउथ पार्ट होता है, जैसे मच्छर का जो जिससे डंक मारता है वो ब्लड सक करता है, ये सभी जो है ज्वाइंट फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, खंडों में बटे होते हैं, एक खंड दूसरे खंड से क्या होता है, जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे जो जीवों को जिनके अपेंडेजेस जो होते हैं, अंग जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, उनको हम जो है आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। इनके ऊपर जो है एक जो है काइटिन की परत पाई जाती है जिसको एक्सोस्केलेटन या क्या कहते हैं, फिर बही कंकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं या फिर बही कंकाल कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये दो आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षण हैं, एक एक्सोस्केलेटन का पाया जाना, एक ज्वाइंट अपेंडेजेज का पाया जाना। पूरे जो है जीव जगत में सबसे बड़ा जो है ये संघ होता है, इसमें जीवों का प्रकार जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और मोलस्का दूसरा ऐसा संघ है जिसमें जीव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीव इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वो क्या है, ये मोलस्का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इनमें से कौन जो है एनिमल, वही क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आंसर देंगे, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अभी आर्थ्रोपोडा। ए ऑप्शन, बहुत सही, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसका क्या होगा, आर्थ्रोपोडा वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है जीवों का, वो क्या हो जाएगा, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये जो है इसका आर्थ्रोपोडा सही हो जाएगा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा दोनों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कॉल्ड एज सोशल इंसेक्ट, इनमें से सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है, जल्दी से बताएंगे। शिवम जी ये ऑप्शन आने लगा, संदीप बघेल जी ये ऑप्शन, ठीक है, चलिए ठीक, बी ऑप्शन, सभी का बी ऑप्शन है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि जो बी होती है इसको लोग पालते हैं कि नहीं पालते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपीकल्चर ना, ठीक है, तो ये कैसे जो है सामाजिक नहीं हुआ। सामाजिक वही है जो सामाजिक प्रक्रिया में जो है शामिल हो जाए, ठीक है, जो सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ जाए या सामाजिक प्रक्रियाओं में जो है क्या करे, अपना योगदान दे, तो ये जो है बी आप जो है बी होगा जो है नहीं होगा। बीटल जो होता है यह जो है इसको, और बाकी सब जो है हमारे समाज में जो है बहुत नेचुरली पाए जाते हैं, तो बीटल जो है एक तरीके का क्या है, ये दीमक जो है, और ये भृंग जो है ये नहीं होगा, बाकी सारे सामाजिक कीट होंगे। हाँ, इसमें जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मकड़ियों का में आंख जो रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बकरी के दूध का तापमान कितना होता है, ठीक है, मकड़ियों की आंखें कितनी होती हैं, यही सब पूछा जाता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। बहुत सही, बहुत लोगों का सही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये जो है क्या होता है, जितने भी कीट होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में ही जो है मकड़ी भी आती है आपकी, ठीक है। मकड़ियों की जो आंखें होती है ना, ये आंखें जो है कैसी होती है, कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, संयुक्त आंखें होती हैं। और जैसे हमारे फोटो में जो पिक्सल्स बनते हैं ना, छोटे छोटे हिस्से में बटा होता है हमारा फोटो, ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, पिक्सल्स बनते हैं, तब जाके एक बड़ी फोटो हमारी बनती है, ठीक है। उसी तरीके से ये इनकी कंपाउंड आई होती है, इनमें फिगर अलग अलग बन के जो है इनको जुड़ के दिखाई देते हैं। तो ये जो है इनमें जो है आंखें कैसी होती हैं, चार जोड़ी पाई जाती हैं, और इनकी आंखें कैसी होती है, कंपाउंड आई होती है, संयुक्त जो है नेत्र पाया जाता है इनमें। जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, याद रखेगा, ये भी पूछ देगा कि कंपाउंड आई किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में, जिसमें कीट पतंगे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज +15, जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइट से। संतोष सिंह जी सी ऑप्शन, शिवम तिवारी बी ऑप्शन, जल्दी से बी ऑप्शन, पूनम जी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक। तो ये क्या है कि जितने भी जो है ये हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन लाइट वाले, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है लाइट का, वो उसको पढ़ाएंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं, जिनमें प्लस होता है ना, वो उसमें जो है जनरली जो है कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं, ये याद रखना। माइनस वाले में कॉन्केव लेंस, कहीं कहीं डेविएशन होता है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। तो ये इतना बस ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेज में ये क्या होता है, पॉजिटिव जो है हमारा उत्तल दर्पण या जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं। द शेप ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग मिरर व्हेन द, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को हाय बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, समय जो है थोड़ा जो है होने लगा है अच्छा खासा, तो जल्दी से आते हैं, उत्तल दर्पण से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस मिरर व्हेन द प्लेसिंग एट ऑब्जेक्ट मिरर फोकस। अगर कोई चीज़ जो है फोकस पे रखी गई है कन्वर्जिंग लेंस के, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, जल्दी से बताएंगे। शिवम तिवारी जी ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, कश्यप, प्रतिमा गुप्ता जी ए ऑप्शन, महेश जी ए ऑप्शन, ये ऑप्शन, बहुत लोगों का ये ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग सी पे भी जा रहे हैं, ठीक है। आते हैं, सेम साइज नहीं होगा, ठीक। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, जो ऐसे क्वेश्चन जो है एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, सारे के सारे क्वेश्चन, उसमें जो याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ रहेगा तो वहाँ बनेगा। इसका नियम है, 3 नियम है, उस 3 नियम को पढ़ लो, बाकी जो है कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए आप जो एग्जाम में कर ले जाओगे। तो ये इसके 3 नियम है, लाइट और रिफ्लेक्शन के जो है, इसी तरीके से लेंस के 2 हैं, इसमें उत्तल लेंस के 2 हैं, अवतल लेंस के 3 हैं, उसी तरीके से जो है। तो ये 3-4 नियम सेट, नियमों के सेट हैं जिसको पढ़ लो, ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होने हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखता हूं बच्चे याद करते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं। जो मैथ और फिजिक्स वाले होंगे उनको थोड़ा सा जो इसमें आसानी होगी नॉर्मली, क्योंकि उनका सब्जेक्ट रहा है, लेकिन जो साइंस से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये याद करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे तरीके से बताएंगे जब हम लाइट पढ़ाएंगे। जस्ट इसी के बाद जो है अगला चैप्टर आपका लाइट शुरू होगा और उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को लगवाए जाएंगे। तो आगे चलते हैं, इसको जो है बताते हुए थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि एक लेंस जो होता है वो इस तरीके का जो उत्तल लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, अभिसारी, किसी एक जगह पे चीज़ों को ले जाके इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, एक जगह पे डायरेक्ट करता है, फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसी को, इसीलिए हम इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसका जो है क्या होता है कि इसका ये क्या कहलाता है, वह जो है ये ध्रुव कहलाता है या पोल कहलाता है, ठीक है। और ये अगर हम इसको देखें तो ये कैसे बनता है, ये अगर देखें तो ये दो गोलों से काट के बनाया गया होता है, तो ये जो है इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये क्या कहलाती है? मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है, और इसी के बीच में इनका फोकस होता है। फोकस ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वह जो है केंद्र जहाँ पे जो है जब लाइट जो है इस मिरर इस जो है लेंस से पास होती है और जहाँ पे जाकर मिलती है, सारी की सारी लाइटें जहाँ पे जाकर मिल जाती हैं वही उसका क्या हो जाता है? फोकस कहलाता है। तो हम फोकस ये भी है और ये भी, दोनों तरीके से अगर देखें तो इधर भी एक गोला है। ठीक है, तो फोकस इसका F1 और F2 दोनों तरफ माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हम एक जो है उत्तल दर्पण बनाए और जो है इसके फोकस पे कोई चीज़ रख दें तो तीन नियम होते हैं। इसको जो है बस इसमें दो ही नियम याद रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्या रखने की ज़रूरत है? 2F2 ये होता है और F2 ये होता है, F1 ये होता है और F1 2F1 ये होता है। ठीक है, अगर हम जो है इसके जो है फोकस पे कोई वस्तु रख देते हैं तो अगर कोई लाइट इसके पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? पैरेलल से होके जा रही है, तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी? आपके फोकस पे। ठीक है, दूसरी लाइट क्या होगी? इसी से हम पोल से गुजार देते हैं इसके, तो जो भी लाइट इसके पोल से जाती है, ठीक है, ध्रुव से जाती है, याद रखिएगा जो भी लाइट इसके ध्रुव से जाती है एज इट इज निकल जाती है, जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी, और जहाँ पे ये कट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि ये कैसा इमेज बन रहा है, ये लाइनें पैरेलल हो जा रही हैं, कट कहीं पे नहीं कर रही हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये इमेज तो कहीं बनेगी नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि दो पैरेलल लाइन जो है अनंत पे जाके जो है कहीं पे अनंत होगा वहाँ पे जाके जो है क्या कर जा रही हैं? मिल जा रही हैं। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। अच्छा, इमेज उल्टी होगी कि सीधी होगी, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते और ये जो है बिल्कुल ऐसे ही जाता और कहाँ पे जो है फोकस से होते हुए जाता, दूसरी लाइन अगर पोल से इसके जाती और ये बिल्कुल जो है ऐसे ही, तो यहाँ कहीं कट करती इसको, तो इमेज जो है यहाँ पे बनता। इमेज कहाँ बनता? यहाँ पे, तो उल्टा बनता ना, तो इमेज कैसी होगी? उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। और जब भी इमेज उल्टी होती है या इन्वर्टेड होती है, ये याद रखिएगा, जब भी इमेज उल्टी या इन्वर्टेड होती है, इमेज जो है कैसी होती है? रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है। तो ये नियम है, यही दो तीन नियम है कि जो है एक जो है अगर कोई लाइट जो है इसके ध्रुव से होकर गुजरेगी तो सीधे निकल जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये दो नियम आप याद रखेंगे तो उत्तल दर्पण का, उत्तल जो है लेंस का कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी से आप इमेज बना लेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे कि उल्टी होगी इमेज, तो कैसी होगी? उल्टी होगी इमेज, तो आपकी जो है कैसी होगी? वो वास्तविक होगी, उसको पर्दे पे लिया जा सकता है, रियल इमेज बनेगी। वस्तु से जो है ये बहुत काफ़ी बड़ी बनेगी, अनंत पे अगर बन रही है, इससे ये बड़ी बन रही है, इस वाले से ये वाली बड़ी बन रही है, तो ये भी जो है इस वाले से काफ़ी बड़ी बनेगी, अनंत पे जाके बहुत बड़ी बनेगी। तो वही है कि आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या कहला है? हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। इमेज कैसी हो जाएगी? बहुत। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम क्या है? टाइम लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कोई रटवा नहीं सकता दुनिया में, ये कोई रटने की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें अपने माइंड को गलत डायरेक्शन में ट्रेन करना है, ठीक है, तब तो सही है कि आप रटते जाओ, लेकिन इसका जो है रटना कोई भी सलूशन नहीं है, याद रखिएगा। इसके 4-5 नियम है, उसको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, बाकी इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं और फोकल लेंथ, फोकल वो सारे F1/F = 1/U/1/V, तो वो सारे सारे जो है इससे सॉल्व होंगे, याद रखिएगा। Which of these insects has teeth? इनमें से कौन सा जो है कीट है जो दांत, जिनमें दांत पाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे इसका। गुड, विवेक जी, विवेक राघव जी का ऑप्शन आया था। अच्छा, इन्फिनिटी पे बनेगा, 2F2 = हाँ, सही है, 2F2 = 2। सारे बराबर होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है ना बच्चों, तो इसमें जाना ज़्यादा बताना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्वेश्चन भी है ज़्यादा। डी ऑप्शन बच्चों के आने लगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन बहुत लोगों के आने लगे। वस एंड बम्बल भी, ये क्या होते हैं? ततैया और भौरा मधुमक्खी। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं, मुखांग होते हैं, वो ऐसे कुछ तरीके के होते हैं। ये साइफन टाइप का चूसक होता है, जो ये चूस लेते हैं, फूलों के रस पे बैठते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ये फूल की पत्ती है, और उससे जो है क्या करते, मकरंद वगैरह चूस लेते हैं। हाउस फ्लाई भी यही काम करती है, बी भी यही काम करती है, बटरफ्लाई भी यही काम करती है। ये जो होते हैं इनके जो है मुख उपांग दांत एक्चुअली तो नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो कटिंग और चेविंग टाइप के होते हैं, काट के चबाने वाले, तो उसी से दांत का वो ले लिया गया है। तो ये ततैया और जो है भौरा जो है क्या करते हैं, मधुमक्खी ये सारे कटिंग और चेविंग टाइप के रखते हैं माउथ। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड बाय द फाइलम मोलस्का। हाँ, बहुत अच्छा जो है अभी बताया गया कि ये सबसे दूसरा सबसे बड़ा जो है संघ होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा भी वो जो है थ्री इडियट का डायलॉग नहीं कि दूसरा किसी को नहीं याद रहता है, तो यहाँ दूसरा रेलवे दूसरा भी पूछ लेता है, ठीक है। ये थ्री इडियट का भी बाप है, तो याद रखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा जो है फाइलम क्या होता है, मोलस्का होता है। इसका आंसर जल्दी से दे, बी ऑप्शन रीता जी, कुंदन जी, सी ऑप्शन रवि कुमार, बी ऑप्शन विनोद जी, डी ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत अच्छा, आरके जी ऑप्शन, ठीक, आरके कश्यप ऑप्शन, ठीक है। स्नेल है, ये क्या है, घोंघा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घोंघा। घोंघा आप नदी वगैरह के किनारे अगर जाएं, जो है पोखरे तालाब के किनारे, तो आप देख सकते हैं इजीली जो है शंख जैसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी कुछ, ठीक है, शंख जैसी, और उसी में जो है एक बहुत ही सॉफ्ट जो है जीव होता है, बहुत ही मुलायम और जो है ये डेलिकेट जीव होता है घोंघा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इस संघ के जीव जो है, जितने भी जीव होते हैं मोलस्का संघ के, वो क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, उनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसीलिए नेचर ने जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही हार्ड जो है कवच प्रोवाइड की है, कवच दिया है, ताकि ये सुरक्षित रह सके। तो घोंघा है, ठीक है, पाइला जिसको कहते हैं, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, इनके रक्त का रंग जो है कैसा होता है, नीला ब्लड होता है, कैसा होता है, नीला ब्लड। हीमोसाइनिन पाए जाने के कारण, किसके कारण, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन की तरह होता है, ये कैसा होता है, हीमोग्लोबिन की तरह, हीमोसाइनिन, ठीक है, क्या होता है, हीमोसाइनिन। आगे चलते हैं। ब्लड इनका नीला होता है, याद रखेंगे। सबसे दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, इसका शरीर जो है कैसा होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और जो है इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। जल्दी से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का, ये वही वाला है, स्लेन वाला जो है, अर्थ, स्टारफिश, ये सब जो है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। जल्दी से बताएं इसका। मनीष राठौड़ जी, डी ऑप्शन, स्टारफिश नहीं होगा बच्चों। विनोद कुमार, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, वही वाला क्वेश्चन था फिर से, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड, ठीक है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चेतन जी बी ऑप्शन, कारगी जी बी ऑप्शन, अर्जुन जी बी ऑप्शन, बहुत सही, ठीक है, सबका बी ऑप्शन आता है, ब्लू, ठीक है। जिसमें घोंघा होता है, सीप होती है, ठीक है, घोंघा है, सीप है, उसी की तरह जो है ये ऑक्टोपस जो होता है, जो ऐसा देखा होगा इस तरीके से, हाँ, ऐसे करके IPL का जो है किसी समय में जो है ये भविष्यवाणी वगैरह भी करता था, एक ऑक्टोपस रखे थे सब, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका शरीर भी बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है, हाँ, और जो है ये टेंटिकल होते हैं, इसमें जो है लपेट लेता है चीज़ों को, खाता है जिससे, तो ये भी जो है संघ मोलस्का का ही है, याद रखेंगे। और बताया था मोलस्का में रक्त कैसा होता है, नीला होता है, और नीला का होने का कारण क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन की जगह। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज देयर सेक्स, इनमें से कौन सा जीव जो है अपने जो है लिंग में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इसको जो है कोई जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं, नेचुरल फैक्टर से ये चेंज कर सकता है। जल्दी से बचाएंगे। रफ्तार सिंह सी ऑप्शन, मनोज जी ए ऑप्शन, स्मिता जी सी ऑप्शन, सूरज जी, स्नेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इनमें जो है सेक्स कौन चेंज कर सकता है, तो जो भी मोलस्का के जीव होते हैं ना वो अपने सेक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है स्नेल होगा। ठीक है, स्नेल क्या होता है, घोंघा या जो है जिसको जो है पाइला कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपने सेक्स को चेंज कर सकता है, मेल और से फीमेल, फीमेल से मेल। ठीक है, तो काफ़ी जो है डाइवर्ट प्रोसेस है इसकी। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एबलोन। ठीक है, एबलोन क्या है, इनमें से एक एबलोन क्या है, ए बिग स्टार, ए स्मॉल फाइटर प्लेन। ठीक है, अंडर गो अराउंड द सिटी, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आंसर दें। बहुत लोगों का सी ऑप्शन, रफ्तार सिंह जी डी ऑप्शन, कुंदन जी ए ऑप्शन, मनु जी डी ऑप्शन। ठीक है, गार्गी जी डी ऑप्शन, बहुत सारे डी वाले बहुत अच्छे बच्चों। क्या होता ये डी ऑप्शन क्या होता है, एक ईडिबल घोंगा होता है, स्नेल होता है। याद रखेंगे, रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे इसको। एबलोन जो है क्या होता है, एक तरीके का जो है ईडिबल स्नेल होता है, घोंगा होता है। लोग इसको बॉयल वॉयल करके खाते हैं। ठीक है, जो सी फूड खाने वाले लोग होते हैं। आगे चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फ्री मैराइन एनिमल। एक्सक्लूसिवली फ्री मैराइन एनिमल कौन होते हैं, जानवरों में कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, निमेटोडा। बहुत बच्चों का डी ऑप्शन आने लगा। अरविंद जी डी ऑप्शन, विनोद जी डी बी ऑप्शन। ठीक है, लीना जी पवार जी डी ऑप्शन, मनीष जी डी ऑप्शन, बहुत अच्छे। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा होते हैं। याद रखेंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब इकाइनस होता है, इकाइनस मतलब होता है कांटा, कंटक से याद रखिएगा। स्पिक्यूल्स इंग्लिश में कहते हैं, स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके शरीर पे जो है, जब स्टारफिश को आप देखेंगे ऐसा जो उनका शरीर होता है वो ट्यूबीपोरस होता है। ठीक है, जो स्टारफिश होती है उनका जो शरीर होता है वो ट्यूबीपोरस होता है। इनके पैर वगैरह में ट्यूब पाए जाते हैं, नलिकाएँ पाए जाते हैं जिसके थ्रू वाटर वगैरह जो है अंदर जाते हैं और ये गति करते हैं। और भी पैर होते हैं इसके। ठीक है, मान लो जो है एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो ये क्या होती है, इनके शरीर पे जगह जगह पे कांटे जो है क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स टाइप के पाए जाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इकाइनस स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाइनस स्किन। इसी से याद रखिएगा कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनके शरीर पे जो है क्या होती है, कंटक पाए जाते हैं। इसी में समुद्री खीरा वगैरह सभी आते हैं, स्टारफिश, समुद्री खीरा, ये सभी इसी में आते हैं। उनके शरीर पे जो है कंटक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उनके जो पैर वगैरह होते हैं इनसे पानी वगैरह ट्यूब जैसे होते हैं, तो पानी वगैरह जो है इसमें भरता रहता है जिससे ये गति करते रहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जल्दी जल्दी भगते हैं, तो इसीलिए जो है इनको क्या कहते हैं। ठीक है, इनका फुट जो होता है ट्यूबी पोरस होता है। आगे चलेंगे, इकाइनोडर्मेटा संघ इसका सही होगा। ये फ्री लिविंग होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर कम्प्लीटली फ्री लिविंग सी ऑर्गेनिज्म, वही हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है, जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे। सी कुकुम्बर, समुद्री ककड़ी में। सागर, सी एनिमून, में सी पैन और सी हार्स, समुद्री घोड़े में। जल्दी से, प्रेम जी डी ऑप्शन, प्रकाश चंद्र जी डी ऑप्शन, विजय कुमार जी सी ऑप्शन, गार्गी जी ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा जो है जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अभी बताया गया है कि जल संवहनी तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, जितने भी इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसमें स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से आते हैं, समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर और स्टारफिश दोनों आती हैं, तारा मछली जिसको कहते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, इनमें जो है ट्यूबीपोरस फिट पाए जाते हैं, यानी कि जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इससे वाटर प्रवेश करता है और उसी से ये चलते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी कुकुम्बर हो जाएगा। ठीक है, समुद्री ककड़ी, ये खीरा होगा, खीरा से पूछता है, ककड़ी नहीं होता है। स्टारफिश बिलोंग टू फाइलम, तारा मछली किस जो है संघ से जो है क्या करती है, संबंध रखती है। जल्दी से बताएंगे, ये नहीं गलत होना चाहिए। सौरभ जी ए ऑप्शन, विनोद जी ए ऑप्शन, गार्गी जी ए ऑप्शन, स्वाति जी ए ऑप्शन, सिंटू जी ए ऑप्शन, स्वाति तिवारी ए ऑप्शन, बहुत अच्छे, प्रेम कुमार ए ऑप्शन, मनोज जी ए ऑप्शन, 46 का ए, इंद्रजीत जी ए ऑप्शन। अच्छा, इसका क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। समुद्री खीरा, स्टारफिश, समुद्री खीरा स्टारफिश दोनों इकाइनस होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा के होते हैं, और इसमें ट्यूब जैसे पैर पाए जाते हैं जिससे ये भागते हैं, पानी घुसता रहता है उसमें, जैसे स्टीमर की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनमें से कौन जो है एक वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जल्दी से बताएंगे। सागर विश्व जी ए ऑप्शन, 45 का बी ऑप्शन, रीता जी, विजय कुमार सी ऑप्शन, अरे 47 है ये क्वेश्चन, गार्गी जी सी ऑप्शन, गणेश जी ए ऑप्शन, मनोज जी सी ऑप्शन, विवेक जी ए ऑप्शन, ठीक है, कमलेश जी ए ऑप्शन, ठीक, बहुत अच्छा। ये क्या होगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वर्टिब्रेट्स का जो है विशेषता नहीं है, इनमें से कौन जो है एक वर्टिब्रेट्स की विशेषता नहीं है। नोटोकार्ड की जगह वर्टिब्रेट पाया जाता है, इंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, इंडोस्केलेटन कहीं कहीं पे होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। नोटोकार्ड की जगह वर्टिब्रेट होती है, वही इसी का जो है मॉडर्नाइज फॉर्म होता है, तो ये भी पाया जाता है। पाया कौन नहीं जाता है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, मान लो ये एक फूल है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का फूल है, और इसको किसी भी तल से अगर हम काटे तो ये दो बराबर भागों में बंट जाता है। ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल। ऐसा चीज जिसको हम किसी भी एंगल से काटे, दो बराबर भागों में जब वो बंट जाए तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और ये सममिति कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई जीव जो है जैसे मनुष्य है और इसको बीच से काटा जाए, ठीक है, इसको बीच से काटा जाए तभी जो है ये दो बराबर भागों में बंट सकता है, इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति। तो ये जो है दोनों जो है होता है। लेकिन हमारे में कैसा होता है, कार्डेट्स में जितने कार्डेट्स होते हैं उनमें बाइलेटरल पाया जाता है, और लोअर जीवों में जैसे हाइड्रा वगैरह थे, स्नाइडेरिया वगैरह, उनमें जो है कैसी अरीय या जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती और इसीलिए यह इनका लक्षण नहीं है। आंसर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन जो है एक जो है कशेरुकीय नहीं है। जल्दी से आंसर देंगे इसका कमेंट में, थोड़ा तेजी बढ़ाइए। बी ऑप्शन आने लगा है बच्चों का, ठीक है, लिजार्ड इनमें, बट देखिए, अरे इसमें जो है लिजार्ड जो है क्या होती है, सरीसृप होती है। सरीसृप जो है फिश के बाद से देखिए कौन कौन से वर्टिब्रेट होते हैं, फिश, फिर उसके बाद जो है एम्फीबिया, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, फिर इसके बाद जो है एवीज, फिर इसके बाद जो है मैमल, ठीक है। तो ये सभी के सभी वर्टिब्रेट होते हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो लिजार्ड जो है रेप्टाइल है, फिश जो है फिश में आती है, फ्रॉग जो है एम्फीबिया में आता है, अर्थवर्म जो है आपको बताया गया है कि किस में आता है, जो है राउंड वर्म के बाद जो है निमेटी हेलमेंथीज जो है प्लेटी हेलमेंथीज के बाद जो है ये सारे आते हैं और ये लोअर जीव होते हैं, छोटे बहुत कम विकसित जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें लीच वगैरह आती है। तो ये क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है एक तरीके का वर्टिब्रेट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज करेक्ट अबाउट द ऑल कार्डेट। सभी कार्डेटों के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इनमें एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। आर सिलोमेट, ये सिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम पाया जाता है। हैव नोटोकार्ड, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। विनोद जी बी ऑप्शन आने लगा, कुछ लोगों का बी ऑप्शन भी आने शुरू हो गए हैं। अर्जुन जी बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक सी ऑप्शन आने। ठीक, ये क्या है, इनमें से जो है क्या कह रहा है कि ये ऑल कार्डेट, सभी कार्डेट का कौन सा लक्षण है। अभी बताया डॉर्सल वेंट्रल नर्व कार्ड होती है, ठीक है, पीछे की तरफ। डॉर्सल मतलब पीछे वाले हिस्से में क्या होती है, एक जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसको जो है या नर्व कॉर्ड शुरुआती हिस्से में जो है शुरुआती समय में इसको नर्व कॉर्ड कहा जाता था, तो ये पाई जाती है। नोटोकार्ड भी होता है, ठीक है, पीछे बैकबोन के जगह पे। आर सिलोमेट, सिलोम पाया जाता है। सिलोम क्या होता है, जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा क्या है शरीर है, और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हमारा क्या है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है। आहार नाल इस तरीके से होती है, ठीक है, तो इसके और इसके शरीर के दीवार और इसके बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। देह गुहा, हिंदी में क्या कहते हैं, देह गुहा, तो ये भी पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यही सही ऑप्शन होगा। भ्रूणीय विकास के दौरान जो है इनका विकास तीन स्तर से, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, इन तीन झिल्लियों से होता है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो है कार्ड जितने भी कार्डेट्स हैं, तो यही जो है गलत है, इसमें इनका लक्षण नहीं है कशेरुकी का, इसीलिए ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वर्टिब्रेट, इनमें से जो है कौन सा कशेरुकी का लक्षण नहीं है। ये जो है ट्राई करेंगे आप खुद से, ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, बताया जा चुका है। बी ऑप्शन, कुसुम जी, आलोक जी डी ऑप्शन, सन्नी जी बी ऑप्शन, प्रेम जी सी ऑप्शन, गार्गी जी सी ऑप्शन, मनोज जी बी ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। 50 का जो है क्या है, इसका कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वर्टिब्रेट्स का फीचर जो है नहीं है, ठीक है। दे पॉसेस ए नोटोकार्ड, ये होना चाहिए, ठीक है, किसी भी अवस्था में जो एक नोटोकार्ड होती है। दे आर सिमेट्रिकल, इनमें सिमेट्री पाई जाती है, कैसी होती है, बाईलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सही है, अभी बताया गया कि इनका तीन स्तर, इंडोडर्म, मीजोडर्म और इक्टोडर्म से विकास होता है, ठीक है। दे आर सिलोमेट्स, ये भी जो है क्या होता है, ये इनमें सिलोम होता है, तो ये भी सही है। तो पॉसे ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ए सिमेट्री, अच्छा ये सिमेट्री जो है, ए सिमेट्री, मुझको सिमेट्री लगा है, तो ये अगर ए सिमेट्रिकल है तो हम क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये ऑप्शन जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। हम कैसे होते हैं, ए सिमेट्रिकल होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें क्या दिया था, ए सिमेट्रिकल, असममिति यानी कि हमारे में सममिति पाई नहीं जाती, ऐसा तो होता नहीं है, हमारे में सममिति पाई जाती है और बाइलेटरल सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सिमेट्रिक पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। आकर्ष इन एम्फीबियन, मतलब कौन सी चीज पाई जाती है उभयचरों में। मोस्ट ऑफ रेप्टाइल, सभी उभयचर और सरीसृपों में जो है क्या अधिक पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। मनीष जी 50 का बी ऑप्शन, नहीं नहीं वो गलत नहीं है, असममिति जो है नहीं होगा, जो है हमारे में सममिति पाई जाती है। आप फिर से मीट करें, हमारे में सममिति पाई जाती है, हमको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है अगर एक एंगल से काटा जाए बीचों बीच। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक है। क्या कह रहा है? थ्री चेम्बर्ड हट। अभी आपको जल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था आपको कि मछलियों में दो चेम्बर का हट पाया जाता है। इसके बाद जितने भी जो है हमारे उभयचर होते हैं और रेप्टाइल होते हैं उनका हट कैसा होता है? तीन चेम्बर्ड का होता है। और क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसका हट जो इनकम्प्लीट फोर चेम्बर्ड का होता है। मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं उनका हट जो होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट फोर चेम्बर्ड। और इसके बाद जो जितने भी होते हैं पक्षी और जो है स्तनी, ठीक है, इनका हट जो होता है चार चेम्बर का होता है, चार कोष्ठों में बटा होता है। तो मछलियों से दो, उभयचर सरीसृप तीन और जो है पक्षी और मनुष्य यानी कि स्तनी चार, ठीक है, बीच में आता है एक मगरमच्छ। तो ये सरीसृपों और जो है हमारे बीच जो है पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, यानी कि इनकम्प्लीट फोर चेम्बर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका थ्री चेम्बर्ड हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बहुत लोगों ने बी ऑप्शन दिया था, बहुत अच्छा, सौरभ शर्मा जी ने बी ऑप्शन दिया था, ठीक है। एम्फीबियंस हैव ए ड्राई नॉन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताएंगे इसको। बी ऑप्शन आने लगा लोगों का, ठीक है। टीजे सूरज बी ऑप्शन, मनीष जी 51 का बी ऑप्शन, विनय कुमार डी ऑप्शन, पूनम जी बी ऑप्शन, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है? एम्फीबियन है, एम्फीबियनों में होता है ड्राई एंड, उभयचरों में ड्राई स्किन होती है क्या? सूखी स्किन होती है उनकी, और ग्लैंडुलर होता है स्किन? नहीं, ठीक है, यही गलत हो गया, ड्राई यही गलत हो गया। उभयचरों की स्किन कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है, गीली होती है। देखे होंगे मेढक वगैरह की स्किन कैसी होती है? गीली होती है, मगरमच्छ वगैरह की स्किन विथ, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर लिखा गया होगा या ग्रंथि त्वचा के साथ हो, ठीक है। अच्छा ये छोड़िए, हटाइए इसको। जो इनकी स्किन होती है ना वो कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। उनकी स्किन पे ग्लैंड पाई जाती है जो चिपचिपे पदार्थ का जो है स्रावण करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी स्किन कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। और जो है इन पे जो है स्केल्स जो होती है नहीं पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। कवच जो होते हैं, जैसे सांप वगैरह के जो शरीर पे शल्क पाई जाती है, कवच पाया जाता है, स्केल्स पाई जाती हैं, वो इनमें नहीं पाया जाता। तो बच्चरों की स्किन कैसी होती है? जो चिपचिपी होती है, गीली होती है, और वो उस पर ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन ग्रंथि वाला सही हो जाएगा। ये जो है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, पंख के बिना ग्लैंड और स्किन, विदाउट फेदर्स, और जो है इनके पंख नहीं पाए जाते, वो तो सभी जानते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। तो उभयचरों में ये याद रखेंगे कि इनकी स्किन पे ग्लैंड्स पाई जाती है, बस इतना सही है। पंख तो जो है पाए, सभी जानते हैं कि पंख नहीं पाए जाते, खाली पक्षियों में पाई जाती है। अच्छा, पक्षियों और कीटों का पंख पूछता है, अंतर क्या होता है? कीटों का पंख जो है काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है, जो प्लास्टिक वगैरह की तरह दिखता है। लेकिन जो पक्षियों का पंख होता है वो बोन्स का बना होता है, हड्डी और मांस चमड़े वगैरह का बना होता है। तो ये याद रखिएगा, अंतर होता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से आंसर देंगे इंद्रजीत जी, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एनिमल लैक्स द स्केल्स हैव म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन? इनमें से कौन सा संघ के जीव जो होते हैं उनमें स्केल्स नहीं पाई जाती और जो है उनके स्किन पे ग्लैंड होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है, जो अभी एक्सप्लेन किया है वही क्वेश्चन आ गया। तो ये इसमें क्या होगा? जिसमें स्केल्स नहीं पाई जाती, कवच नहीं पाई जाती। जो सांप वगैरह की त्वचा पे ऐसे कवच दिखते हैं आपको, वो ऐसे इन पे नहीं पाई जाती है। दूसरा क्या कह रहा है कि इनकी स्किन ग्लैंडुलर होती है, चिपचिपी और गीली होती है और ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसका क्या होगा, एम्फीबियन ही सही हो जाएगा। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल लैक द स्केल एंड म्यूकस ग्लैंड जो है स्किन। तो इनमें जो है क्या होता है, एम्फीबियन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, तो ये इसमें नहीं होगा। दोनों लैग पूछा है, ठीक है। तो इनका ऑप्शन जो है क्या होगा, स्केल्स नहीं पाया जाता है। रेप्टाइल्स में स्केल्स पाया जाता है तो ये भी नहीं होगा। फिशेज में जो है स्केल्स पाई जाती है लेकिन ग्लैंड्स जो है नहीं पाई जाती है। एवीज में जो है स्केल्स नहीं पाई जाती है लेकिन ग्लैंड्स जो है पाई जाती है। तो यही जो है एम्फीबियन जो है इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है स्किन में जो है क्या क्या नहीं पाई जाती, अभी बताएं, स्केल्स नहीं पाई जाती और जगह जगह पे स्किन पे क्या होती है, ग्रंथियाँ लगी होती हैं और बिल्कुल चिपचिपा होता है स्किन इनका। मेढक वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। जी, ठीक है। तो इनमें से क्या कह रहा है कि कौन से क्लास में के एनिमल में स्केल्स और जो है म्यूकस हैव नॉट म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड जो है, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड जो है किन में पाया जाता है, तो ये एम्फीबियंस हो जाएंगे। रेप्टाइल्स में स्केल जो है पाई जाती है लेकिन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। मछलियों में स्केल्स पाई जाती है लेकिन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। एवीज में जो है फेदर पाए जाते हैं स्केल की जगह पे, जो पंख होते हैं, जो रोवे होते हैं, वो फेदर, पंख नहीं कहेंगे, फेदर कहेंगे, फेदर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेस्पिरेशन आकर्स बाय गिल्स और लंग्स, इनमें से कौन से में जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है गलफड़े और फेफड़े के माध्यम से होती है, ठीक है। किस क्लास के एनिमल में, जल्दी से बताएंगे। पूनम कुमारी आंसर दे, जुड़े जो है वीडियो से, जल्दी से क्वेश्चन पे आए। मनीष जी का ऑप्शन आने लगा बी, अनुज जी बी, प्रेम जी बी, पृथ्वी जी बी, पृथ्वी मीना जी बी, शाह जी बी। जल्दी से आते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसमें जो है लंग्स और जो है गिल्स दोनों से जो है श्वसन होता है, ठीक है। तो जो है ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा। जो उभयचर होते हैं, अभी बताए थे आपको, कुछ क्वेश्चन पहले ही बताए थे, ठीक है, कि जो उभयचर होते हैं उनमें लंग्स और गिल्स दोनों पाए जाते हैं और दोनों से श्वसन करते हैं, तो इसका उभयचर सही हो जाएगा। एम्फीबियन का एक जो कैरेक्टर 2 डिस्कस किया गया है वो याद रखिएगा। इनकी त्वचा पे ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ पाई जाती है, चिपचिपी त्वचा होती है। दूसरा जो है इनमें सल्क नहीं पाई जाती है। यही जो है क्या होता है, रेप्टाइल्स से उभयचरों को अलग करता है, मुख्य लक्षण है ये। क्लास रेप्टाइलिया हैज, रेप्टाइलिया क्लास के पास क्या होता है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। फिर इसकी वही वाला क्वेश्चन आ गया, अभी बताएं एम्फीबियन में कैसा होता है, ग्लैंडुलर और जो है स्केल्स नहीं पाई जाती हैं, तो उस हिसाब से इसको टच करेंगे। जल्दी से आइए क्वेश्चन पे। कविता आर्या जी ए ऑप्शन, डीजे डी ऑप्शन, इंद्रजीत जी ए ऑप्शन, डी ऑप्शन कविता आर्या जी। जल्दी से विनोद जी ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन डीजे सूरज, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। सोनी यादव ए ऑप्शन, ठीक। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो क्लास रेप्टाइलिया है वो क्या नहीं रखता है, तो ये ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ स्केल, ठीक है, ये तो रखता है। स्केल्स जो है, जो जितने भी डायनासोर है, छिपकली है, सांप है, इनमें जो है क्या स्केल्स तो पाई जाती हैं। ग्लैंडुलर स्किन कैसी होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है। इनमें अब क्या हो जाएगी, नॉन ग्लैंडुलर। एम्फीबियन में क्या थी, ग्लैंडुलर, ग्रंथियां पाई जाती थी, इनमें नहीं पाई जाएंगी ग्रंथियां। तो ग्लैंडुलर स्किन जहां आया ये क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। ड्राई स्किन, इसको देखेंगे, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ फेदर्स, फेदर्स आ गया, ये पक्षियों में पाया जाता है, नहीं होगा सही। ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, तो हेयर जो है हमारे में पाया जाता है। तो ये अगर हमारे बारे में पूछा होता मैमल्स में तो सही हो जाता, यहाँ पे ग्लैंडुलर होता, खाली ये नहीं होता तो ये मैमल्स का बन जाता, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये तीनों नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं और सलके पाई जाती हैं, स्केल्स पाई जाती हैं। यंग वन ऑफ द क्रोकोडाइल इज कॉल्ड, ये पूछा जा चुका आपके में क्वेश्चन है, तो रेलवे जो है कुछ इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसके लिए भी तैयार रहे, ठीक है। लालिमा कुमारी ए ऑप्शन आने लगा, भूपेंद्र सिंह जी बी ऑप्शन, कविता आर्या जी बी ऑप्शन। जल्दी से आएंगे क्वेश्चन पे। पचपन का बी, पूनम जी 55 का बी, विनोद जी डी, रंजीत साहू जी डी, आकाश गुप्ता बी। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि इसको मगरमच्छ के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? इसको हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग, ठीक है। तो ये या तो ये आयोग बता सकता है कि ये कहाँ से पूछता है, या तो फिर आयोग ही बता सकता है कि कहाँ से पूछता है, ठीक है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। एवरीथिंग व्हाट कम्स अंडर द सन, ये जीएस जो है कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो तैयार रहेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, अगर ना आए तो आगे बढ़ जाए, डबल डिप खेलने की जरूरत नहीं है। एविज इंक्लूड बर्ड एक्वाटिक मैमल स्पीसीज, पक्षी जो है जलीय पक्षियों में पक्षी एविज वर्ग जो है एक क्या है, इसमें से कौन सा? जल्दी से बताएं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी टाइम ना लगाएं इसमें। विनोद जी ए ऑप्शन, पृथ्वी जी सी ऑप्शन, पूनम जी ए ऑप्शन, रंजीत जी एविज, गुड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, इसका एविज सही हो जाएगा, ठीक है। एविज जो होते हैं वो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और एविज जो है इंग्लिश में यूज करते हैं टर्म ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास एविज हैज़ ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, ठीक है। जल्दी से, ये गलत नहीं होना चाहिए, सबको अभी बार बार एक्सप्लेन किए, 4-5 क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे, ठीक है। गौरव जी पिक्सेल्स, ठीक है, नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं अभी। बाला यादव ए, पूनम जी 57 का सी, विनोद जी डी। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, बहुत लोगों का सी और डी में कंफ्यूजन है। ड्राई स्किन, ठीक है, नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड नहीं होती है, स्किन विद हेयर, हेयर हमारे में पाए जाते हैं, पक्षियों में क्या पाए जाते हैं? फेदर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ विंग्स, ठीक है, ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर स्किन विंग्स के साथ। और जो है क्या कह रहा है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विदाउट विंग, तो ये तो होगा नहीं, पक्षियों में विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है स्किन जो है कैसी होती है? ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है। और ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, तो ये हमारे में पाया जाता है, और ये नॉन ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर पाया जाता है। तो आगे चलेंगे, डी बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगले पे आते हैं। विच इज ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, इनमें से कौन सी एक चिड़िया है जो पीछे की तरफ, आगे की तरफ 360 डिग्री घूम के मुड़ सकती है? गौरव जी बी ऑप्शन, पूनम जी ए ऑप्शन, विनोद जी ए ऑप्शन, पृथ्वी जी बी ऑप्शन, सोनिया जी ए ऑप्शन, बहुत अच्छा, ठीक है। आते हैं, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमिंग बर्ड है, इसका जो है ऑप्शन होगा, ये बहुत ही प्रिवेलिंग। हमिंग बर्ड जो है सबसे तेज जो है क्या कहते हैं, अपने पंखों को जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पंखों की हिलाने की बहुत ज़्यादा होती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये अपने वजन का कई गुना भोजन एक दिन में खा लेती है, और भी ये ऐसा मुझको लगता है कि ये रेलवे की फेवरेट बर्ड है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि हमिंग बर्ड के अंडे जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, और जो है अपने फ्लाइट को कंट्रोल कर सकती है 360 डिग्री तक, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है। और ये क्या करती है, फूलों के रस को जो है शक करती है, फूलों के रस को चूसती है। और इसका माउथ जो चोंच होती है वो लंबी और चूसक टाइप की होती है, सकिंग टाइप की होती है, पतली और लंबी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज द स्मॉलेस्ट एग, फिर वही आ गया, इसका जो है आंसर जो है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमिंग बर्ड जो है वही अभी बताया कि सबसे छोटी चिड़िया है, तो अंडे भी इसके छोटे ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। हमिंग बर्ड, आगे चलते हैं। ठीक, गुड, वेरी गुड, डी ऑप्शन सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉडी कैविटी फिल्ड विथ एयर, इनमें से किसका जो है शरीर जो है हवा से भरा होता है? जल्दी से बताएंगे मनोज जी। डी ऑप्शन, किसका शरीर हवा से भरा हुआ होता है, जल्दी से बताएंगे। बहुत लोगों का डी ऑप्शन आने लगा है। डीजे जी डी ऑप्शन, पृथ्वी जी बी ऑप्शन, पृथ्वी मीना जी बी ऑप्शन, पूनम सी ऑप्शन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ एयर, बोन जो है, साइनस जिसको कहते हैं, काट हड्डियाँ जो है हवा से जो है पश्चिम भरी होती है, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, साइनस कह देते हैं। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है ये भरा नहीं होता है, टेंडन जो होता है वो क्या करता है, ये जो है मांसपेशियों से को जोड़ता है, किससे, हड्डियों से। तो ये साइनस सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पक्षियों में जो हड्डियां होती हैं वो हवा से भरी होती हैं, खोखली होती हैं और जो है क्या होती है, वायुकोशीय होती हैं, तो उसको जो है साइनस कहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर अबाउट द स्वार्ड बेल्ड हमिंग बर्ड, स्वार्ड बेल्ड हमिंग बर्ड का स्पेसिफिक फीचर, महत्वपूर्ण लक्षण एक इनमें से कौन सा है? इट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, इट्स बीक इज लिंगर देन द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी, लॉन्गर होगा, यहाँ पे लिंगर नहीं होगा, लॉन्गर होगा, सही कर लीजिएगा। इट्स लाइफ ओनली जो है एंटार्क्टिका, मतलब एंटार्क्टिका में रहती है, और इट कैन फ्लाई एंड इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती है। गौरव जी का ए ऑप्शन, ठीक है, अनंत जी का ए ऑप्शन, गौरव जी का फिर से ए ऑप्शन, विनय जी। आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, ट्राई करते रहे क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो डोंट लूज योर स्पिरिट, बी अवेयर एंड बी कनेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो है क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि ये हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है वो क्या होती है, इसकी जो है ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जो ये वाली स्वार्ड बेल्ड हमिंग बर्ड होती है, इसकी चोंच जो होती है इसके पूरे लंबाई से भी ज़्यादा होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट, अच्छा इनमें से कौन एक वर्टिब्रेट है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमिंग बर्ड जो है रेलवे की फेवरेट बर्ड है, याद रखना, बहुत पूछ रहा है इससे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकी है? कीवी है, स्पंज है, स्टारफिश है, थ्रेड वर्म है, जल्दी से बताएंगे। संदीप कुमार जी सी ऑप्शन आने लगा। बहुत लोगों का ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं। कीवी क्या होता है? कीवी एक तरीके से जो है क्या होता है, पेंगुइन की तरह होता है, एक वर्टिब्रेट होता है। इसके बाद जो है स्पंजों को देखे अभी पढ़ाए हैं, इसमें कशेरुकदंड नहीं पाई जाती है। दूसरे सबसे निचले जीव होते हैं, ये पहला सबसे बड़ा सबसे बहुकोशिकीय जीव होता है। पहला बहुकोशिकीय जीव कौन होता है? स्पंज होता है एनिमल। फिर स्टारफिश क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है, अभी पढ़ाया गया है। हाँ, थ्रेड वर्म क्या होता है? ये जो है फीता कृमि के बाद जो है थ्रेड वर्म जो है उसी तरीके से आते हैं। तो ये तीनों नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कीवी एक तरीके की वर्टिब्रेट जो है ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। एविज हैज पक्षियों में होता है, 2 चैम्बर वाला हार्ट, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं, इतनी देर से खड़े होकर चिल्ला रहे, इतना गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे। विजय जी ए ऑप्शन, विनोद जी बी ऑप्शन, सोनिया जी 4 चैम्बर, अरे ये वालो बता दे रहे, गला दबा देंगे हम, गलत तब से बता रहे हैं। पक्षियों में कैसे होता है, पक्षी में कैसा होता है? पक्षी और मैमेल स्तनियों में 4 चैम्बर में बटा होता है। हृदय कैसे, कितने चैम्बर में बटा होता है? 4 कोष्ठों में, याद रखेंगे। इसके नीचे जो है रेप्टाइल होता है, इनका जो है रेप्टाइल और उभयचर होते हैं, ठीक है। इनका जो है 3 चैम्बर का होता है, बीच में क्रोकोडाइल आता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, ठीक है। और मछलियों का जो है 2 चैम्बर का होता है, याद रखिए। इसको बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छे 4 चैम्बर बताने वाले, बहुत अच्छे बकअप है उनको मेरा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन। 64 नंबर पे आते हैं। वर्ग जीवों का, कौन सा वर्ग जो है जीवों का गर्म रक्त होता है? इनमें जो है वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? जल्दी से बताएं। बहुत सही सुधीर प्रजापति जी, डी ऑप्शन। लालिमा जी ए ऑफ, सी ऑप्शन। संजीव जी ए ऑप्शन। सोनिया जी, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। इसी स्पिरिट के साथ लगे रहिए। बहुत लोगों का ए और सी में जो है क्या होता है, कंफ्यूजन है, क्या करें। ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड होते हैं। देखिए होता क्या है, जितने भी एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिशेज होते हैं, ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और इसके ऊपर जो है क्या आता है? एवीज आता है और मैमेल आता है, यानी कि जो है पक्षी वर्ग होता है और जो है हमारा स्तनी वर्ग होता है। ये दोनों के दोनों जो है कैसे होते हैं? ये दोनों के दोनों जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये जो है जाड़े के दिनों में हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। किसके लिए? हाइबरनेशन के लिए, यानी कि जो है सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्लड जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों, मछली, एम्फीबियन और रेप्टाइल। लेकिन जो है पक्षी और जो मनुष्य यानी कि मैमेल होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है एवीज हो जाएगा। अगले पे आते हैं। 3 आउट ऑफ 4 ऑप्शन बिलो आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर वे। एक, इन तीनों ऑप्शन में से जो है, इन चारों ऑप्शन में से 3 जो है एक दूसरे से संबंधित है और एक जो है अलग है। तो सेलेक्ट द ऑड वन आउट करना है इसमें, जल्दी से करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नीतीश जी। संजीव जी डी ऑप्शन, ज्योति जी बी ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इनमें से 3 जो है एक जैसे हैं। क्या कह रहा है? मैमेल, रेप्टाइलिया, एवीज और ऑस्ट्रिच, ये तीनों जो है एक जैसे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिच एक जीव का नाम है, न कि किसी क्लास का नाम है, ठीक है। तो ये जो है तीनों फाइलम है और ये क्या है? एक यूनिक जीव का नाम है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये शुतुरमुर्ग इसका जो है क्या है? सही आंसर है। ये अलग है सबसे। अगले पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड? फिर से वही क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बहुत से बच्चों का, डी ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? अभी बताए हैं कि जो जितने भी सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं और जो हमारी मछलियां होती हैं, वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती हैं। और जो हमारे पक्षी और जो स्तनी वर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो पिजियन क्या है? कबूतर एक पक्षी है, बाकी सब जो है ये मछली जो है मेढक जो है उभयचर है और मगरमच्छ जो है ये भी एक तरीके का क्या है? उभयचर है। तो आगे चलते हैं अगले पे। पिजियन कबूतर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल्स? मार्सुपियल्स का जो है एक कौन इसमें से उदाहरण है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। कंगारू, वेल, जिराफ, मुर्गा। देवेंद्र सिंह। रवि कुमार ये ऑप्शन, ठीक है। बहुत लोगों का कबूतर। अरे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कबूतर पे ही मत अटके रहो। ए ए ए बहुत, हाँ ठीक है। ये क्या है? कंगारू, वेरी गुड। ये क्या करता है? कंगारू के पेट पे एक थैली पाई जाती है। ये जो है बहुत ही कम जो है मैच्योर बच्चे को जन्म देता है, बहुत ही कम जो है विकसित बच्चे को जन्म देता है। फिर उसको जो है इसी थैली में रख के क्या करता है, उसको उसका पेरेंटल केयर करता है, उसका पेरेंटल केयरिंग करता है। और इसीलिए जो है ये जो है क्या कहलाते हैं, मार्सुपियल कहलाते हैं। ये थैला ही मार्सुपियल पाउच कहलाता है, मार्सुपियल थैली, ठीक है। तो कंगारुओं में ये पाई जाती है और इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं कंगारू, और वो क्या करते हैं, इसी थैली में रख के उनको जो है मैच्योर करते हैं। तो आगे चलते हैं। मार्सुपियल ये क्लास ही, कंगारुओं का अलग क्लास ही है मार्सुपियल, जो है स्तनियों में, स्तनियों के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। वन हैंड कैमल इज नोन एज, एक कुबड़ वाला ऊंट जो है क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। पूछा जाने वाला, सी ऑप्शन, बहुत सही इंद्रजीत जी है ऑप्शन, भूपेंद्र जी है ऑप्शन, विक्रम जी है ऑप्शन, ठीक है, देवेंद्र जी। मार्सुपियल, हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो मार्सुपियल ही होगा। कंगारू मार्सुपियल होता ही है। एल्क, ठीक है, डॉर्मेंड्री एल्क जो होता है वो, अच्छा जो एल्क होता है डॉर्मेंड्री कहलाता है, एल्क जो होता है वो जो है दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक कुबड़ वाला कैमल जो है दक्षिण अफ्रीकी देशों में, और जो है आप दक्षिण अफ्रीका के आसपास जैसे जो है मेडागास्कर वाला हिस्सा वगैरह जो देखेंगे वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं। कौन? डोरमेंड्रोन, ठीक है। होता क्या है, अच्छा ऊँट के कुबड़ सॉरी ऊँट का जो कुबड़ होता है, हेम्प होता है, लोग कहते हैं इसमें पानी इकट्ठा करता है। क्या करता है? पानी इकट्ठा करता है। यह जो है इसका जो है अनुकूलन होता है रेगिस्तानी वातावरण के लिए। लेकिन इसमें जो याद रखिएगा, इसमें वसा पाई जाती है, वसा का भारी जमा होता है, और जब वसा टूटती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, जल मुक्त करती है। तो ये जल को स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में? वसा के फॉर्म में। इसके कुबड़ में क्या होता है, वसा होती है, ये याद रखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के जो है ऐसे भी पूछा जाता है, जा सकता है कि ऊँट के कुबड़ में क्या पाया जाता है। तो ऊँट के कुबड़ में वसा के रूप में जल संचित होता है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द साउंड मेड बाय सील कॉल्ड, सील के द्वारा निकालने वाला जो साउंड है वो रेलवे पूछता है, ठीक है, बताया जाए क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर देंगे इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेलवे के हिसाब से। लालिमा जी सी ऑप्शन, खुशबू जी सी ऑप्शन, शाह जी, ज्योति जी ए ऑप्शन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको ये ब्रेक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए इसके चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जो सामने आ गया आ गया, ठीक है। और इन ऐसे क्वेश्चनों को खोज खोज के पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये जो है मतलब अक्कड़ बक्कड़ बोल के जो है क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये आते रहेंगे, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसका कोई सिस्टम नहीं है पढ़ने का कि कौन सी चीज़ें कहाँ से खींच के पढ़ी जाए। तो ठीक है, रेलवे कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है, ये छोड़ने वाले सब क्वेश्चन होते हैं। और हर एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, और सिलेक्शन जो बच्चे पहचानते हैं इन चीज़ों को, वो जो है उनका सिलेक्शन होता है। तो ये एक अच्छी कला है पहचानना कि हमें किस क्वेश्चन को टच करना है और किसे छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका कोई सिस्टम नहीं है पढ़ने का, ये याद ही रख लीजिए जो सामने आ गया, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल कौन है? ये सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका कमेंट में। रवि कुमार सी ऑप्शन, रंजीत जी सी ऑप्शन, शाह जी सी ऑप्शन, साई जी सी ऑप्शन, ज्योति जी, जोदीप जी सी ऑप्शन, नीतीश जी 70 का सी, ठीक है। आते हैं, क्या है? सी ऑप्शन, ब्लू व्हेल। आगे चलते हैं, कुछ बताने वाली बात नहीं है। व्हाट इज द ग्रुप डॉल्फिन कॉल्ड, ठीक है, डॉल्फिन्स का ग्रुप क्या कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए जो है डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, ठीक है, और वो उसमें जो है समय बहुत आराम से बोला जाता है तो उसको देखने में मज़ा भी आता है, लेकिन ठीक है वो परीक्षा में जो है और सारी चीज़ें छूट जाएंगी। देखना शुरू करें 71 का ये ऑप्शन, गैंग 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 जो है, ठीक है, हीरो और जो है विलन के बीच में गैंग बनती है, ठीक है, गैंग इसमें नहीं बनती है। आगे चलते हैं, इसका पॉड हो जाएगा आगे, ठीक है, पॉड फली फली ये नहीं होगा, पॉड पॉड ही, हिंदी में भी पॉड ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा पॉड, ठीक। तो जो डॉल्फिन्स का ग्रुप होता है उसको पॉड कहते हैं। व्हाट इज लेमूर, लेमूर क्या है जल्दी से बताएंगे। ये जो है अच्छा क्वेश्चन है और जो है हमारे अनुकूलन वाले जो है चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको एक सीरीज में पढ़ा जा सकता है। ये हमारे जो है एकेडमिक सिलेबस में भी आता है, कॉम्पिटिटिव सिलेबस में, लेकिन ये सब जो डॉल्फिन का ग्रुप ये जो है सारी चीज़ें जो दी थी वो जो है ऐसे ही डबल डिप वाले क्वेश्चन है, कहीं से भी दे दिए जाते हैं। उपेंद्र जी डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सोनिया जी ए ऑप्शन, बोर्ड का ए। व्हाट इज लेमूर, बहुत अच्छे। क्या लेमूर क्या है, ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वन टाइप ऑफ डेवलप्ड कैंसर, ठीक है, ए सिंपल मशीन और एन एनिमल फाउंड इन मेडागास्कर। वही है लेमूर है, जो लेमूर है वो एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जो है जंतु होता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, मेडागास्कर में पाया जाने वाला जंतु है, ठीक है। वो भी जो है ऊँट ही की तरह होता है, लेकिन उसमें कुबड़ जो है कैसे होते हैं, दो होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वीवी पैरा, ठीक है, वीवी मतलब होता है वाइब, वाइब मतलब जीवन, याद रखिएगा जीवन कहलाता है। वाइबेशियस नहीं होता है, रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित करना, तो वाइब मतलब क्या होता है, जीवन। तो जो डायरेक्ट जीवन को जन्म देते हैं वीवी पैरा कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है इनको क्या कहते हैं हिंदी में, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। वीवी पैरा जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। और जरायुज वो होते हैं जो बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे जो है बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, वर्टिब्रेट दैट आर अलाइव बॉर्न, ठीक है। तो ऐसे जो है कशेरुकी जो बच्चों को जीवित जन्म देते हैं। ओवी मतलब होता है, ओवी ओवी से ओवा बना है, एग बना है, ठीक है, अंडा, ठीक है। तो ये ओवीपैरस अंडे देते हैं, वीवीपैरस जीवन को जन्म देते हैं, यानी लिविंग बच्चे को जन्म देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैमल्स हैव, स्तनियों में होता है, ड्राई एंड ग्लैडुलर स्किन विथ विंग्स, जो पंखों के साथ ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, पंखों के साथ जो है सूखी और जो है ग्रंथि वाली जो है त्वचा, ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, जो है बाल के साथ ग्लैंडुलर स्किन। जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन विनोद जी, रंजीत जी बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज क्या होगा, ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, यही सही होगा। ड्राई एंड ग्लैंडुलर नॉन स्किन विथ स्केल होगा नहीं, विंग्स होगा नहीं, और विंग्स इसमें भी आ गया तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ जो है नहीं पता हो तो जो है ऑप्शन को जो है क्या करते हैं, जो है इसमें हटाते भी हैं, हटाने से जो है हमें सही आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। आगे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मॉन्स्ट्रस आकर, ठीक है, निम्नलिखित को पूरा करें। मोनोस्ट्रस होता है, मोनोस्ट्रस किसको कहते हैं जल्दी से बताएंगे। डी ऑप्शन, बहुत से बच्चों का बी ऑप्शन आने लगा, भूपेंद्र सिंह जी बी ऑप्शन, विनोद जी बी ऑप्शन, सुधीर जी सी ऑप्शन, सूर्या ओझा जी डी ऑप्शन, रंजीत जी डी बी डी ऑप्शन 75 का। अच्छा आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि जो है कौन सा जो है मोनोस्ट्रस, स्ट्रस मतलब होता है जो है प्रजनन चक्र जो होता है वो हमारा जो है स्ट्रस साइकिल कहलाती है, ठीक है। और जो है इसमें क्या कह रहा है, एक दिन में 2 बार ओवुलेशन करने वाले, ठीक है, 2 वर्ष में 1 बार प्रजनन करने वाले और वर्ष में 1 बार प्रजनन करने वाले, एक जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही उसी तरीके से 1 ब्रीडिंग सेशन इन अ ईयर, ठीक है, 1 बार जो पूरे वर्ष में 1 बार जो प्रजनन करते हैं उनको हम मोनोस्ट्रस कहते हैं। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है एक, एस्ट्रस मतलब प्रजनन चक्र, एस्ट्रस साइकिल को क्या कहते हैं, प्रजनन चक्र कहते हैं। तो हम क्या होता है जो 1 वर्ष में 1 बार प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, जैसे कुत्ते, गाय, ह्यूमन जो है ये क्या होते हैं मोनोएस्ट्रस होते हैं, इनके में जो है प्रजनन की प्रक्रिया वर्ष में 1 बार ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों को जन्म देने तक की प्रक्रिया 1 वर्ष में 1 बार ही होती है। आगे चलते हैं, वन ब्लेडेड एनिमल ऑर्गेनिज्म विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट आर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इसमें जल्दी से बताएंगे, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कई बार डिस्कस हो चुका है। इंद्रजीत कुमार डी ऑप्शन आने लगा, सूरज ओझा जी बी ऑप्शन, रवि जी बी ऑप्शन, बहुत अच्छा। सबका भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, मैमेल्स कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी स्तनीय, रेप्टाइल होगा नहीं, इसमें जो है 3 चैम्बर पाया जाता है, फिशेज में 2 चैम्बर पाया जाता है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर पाया जाता है, ये दोनों एक ही होते हैं। क्रोकोडाइल में जो है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये याद रखिएगा। अगले ये मैमल सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है स्तनधारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, गिवन बर्थ टू हाईली अंडर डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, अभी डिस्कस हो चुका है। जल्दी से विजय कुमार जी बी ऑप्शन आने लगा, सपना जी सी ऑप्शन, भूपेंद्र जी मैमल। अरे अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, कंगारू बी ऑप्शन, ठीक है, हाँ कंगारू होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट मार्सुपियल्स कहते हैं इनको, अभी डिस्कस हुआ था, जो है बच्चों जो है अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ये अगला क्वेश्चन 78 नंबर का आपकी स्क्रीन पे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के संबंध में फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो है फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है, ये भी रेलवे के द्वारा पूछा जा चुका है, जल्दी से बताएंगे। दीपा अरविंद जी डी ऑप्शन, पूजा जी बी ऑप्शन, आर्मी जी माय लाइफ सी ऑप्शन, आर्मी जी इज माय लाइफ, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, सपना जी सी ऑप्शन, ठीक, विजय यादव जी सी ऑप्शन, ठीक। आते हैं, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फ्लाइंग फॉक्स कहलाता है, बैट होगा इसका। चमगादड़, देखोगे चमगादड़ का मुंह आगे वाला जो होता है ना वो कैसा होता है, वो जो है लोमड़ी की तरह ही होता है, बस इसके पंख होते हैं चौड़े चौड़े, और इसीलिए जो है इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ठीक है। कभी ध्यान से देखना चमगादड़ को पकड़ के घर पे, हाँ तो वो जो है क्या कैसा दिखता है, छोटी लोमड़ी की तरह दिखता है, इसीलिए उसको हम फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये भी याद रखना चमगादड़ मैमेल है, स्तनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, सबसे छोटी इंटेस्टाइन यानी कि आंत किसमें पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। विक्की सी ऑप्शन, विक्की वर्मा जी, आर्मी इज माई लाइफ बी ऑप्शन, बहुत अच्छे, मनीष जी सैंटी का बी ऑप्शन, विनोद जी बी ऑप्शन, ज्योदीप जी बी ऑप्शन, विवेक जी बी ऑप्शन, मिथुन कुमार बी ऑप्शन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि इसमें से कौन जो है स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, देखिए बड़ी बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि उनकी आंत जो है बड़ी होगी जो है शाकाहारी भोजन यानी कि सेलुलोज खाते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी भोजन करते हैं वो क्या खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, हरी चीज़ें खाते हैं और हरे पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। तो इनमें जो है क्या होगा, काऊ जो है क्या होगा, इनकी इस इंटेस्टाइन बड़ी होगी, रैबिट की बड़ी होगी, गोट की बड़ी होगी, सभी शाकाहारी होते हैं। लायन की इंटेस्टाइन छोटी होगी, ये प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता है, ठीक है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बिग क्लैप फॉर सी ऑप्शन वालों के लिए, बहुत अच्छे। ऐसे ही जो है गुड गुड लालिमा जी, लायन सही है, बहुत अच्छे। जितने भी प्रोटीन ज़्यादा खाने वाले यानी मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, याद रखेंगे। फाइंड ए वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है, एक शब्द बताइए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। रेंडियर, स्नैक, काऊ, एलिफेंट, कौन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तीन बाकी संबंधित होंगे। सी, दीपा जी सी ऑप्शन, सुधीर जी सी ऑप्शन, विक्की जी डी ऑप्शन, रंजीत जी ए ऑप्शन, बहुत अच्छे। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें से कौन संबंधित है, रेंडियर है, स्नैक है, काऊ है, एलिफेंट है, ये तीनों के तीनों जो है, ये और ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है क्या होते हैं, ये वर्टिब्रेट हैं। लेकिन आपका स्नैक जो होता है ये वर्टिब्रेट नहीं है, कशेरुकी नहीं है, और इसीलिए ये ऑड हो जाएगा, इसमें ये जो है भिन्न हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यह 81 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड इनमें से कौन उत्पन्न कर सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड, जल्दी से बताएं। बी, बी बहुत लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये जो है 4.4 होगा, इसका जो है यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये शार्क करती नहीं है, मौत करता नहीं है, एलिफेंट करता नहीं है। अल्ट्रासोनिक साउंड चमगादड़ वगैरह भी निकालते हैं, डॉल्फिन निकालती हैं, ये प्रोपॉइज निकालता है, ये सारे जो अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से जो है क्या करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये शार्क नहीं होगा, सी वालों सुन लो, शार्क जो है अक्कड़ बक्कड़ बोल के मत मारो ऑप्शन, ठीक है, शार्क नहीं होगा। बी वाले बहुत अच्छा, मिथुन कुमार बी ऑप्शन सही है, देवेंद्र जी बी ऑप्शन, ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, सही होगा। एलिफेंट नहीं निकालती अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगे, ठीक है, इंफ्रासोनिक जो 20 से नीचे होंगे, ठीक है। तो ये जो है 20,000 से ऊपर वाले साउंड जो है कुत्ता सुन लेता है, चमगादड़ उसका यूज करता है, डॉल्फिन यूज करता है और पोरपॉइज यूज करता है, ये याद रखेंगे। ह्यूमन बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया विच डज नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, विच इज दैट, कौन सा होगा इसमें से मैमेलिया में कौन नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। बहुत आसान है आंसर, नहीं बिल्कुल जो है सीधा ऑप्शन बताएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। पोर्पोज, ठीक है, अगले क्वेश्चन में फोटो दिखाई जाएगी, लिजार्ड होगा इसका सही, वेरी गुड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी ये तीनों जो है क्या है, ये वर्टिब्रेट होते हैं, कार्डेट होते हैं, इनमें कशेरुक दंड पाई जाती है। आगे चलते हैं। इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन, एक क्लू दे देते हैं, ये ह्यूमंस की सबसे अच्छी फ्रेंड भी होती है, सी में। निशा जी ए ऑप्शन, रंजीत जी ए ऑप्शन, 83 का है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ए ऑप्शन होगा। ये जो है अपने माइंड का जो है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन से भी थोड़ा ज़्यादा जो है यूज़ करती हैं, ये याद रखिएगा। किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से सीखती हैं, ठीक है, और इनका जो अपना एक लैंग्वेज होता है, और साथ ही साथ ये जो है अपनी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है क्या करती हैं, यूज करती हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 84 विच 84 नंबर क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, ये बेकार सा क्वेश्चन, सभी जानते हैं चीता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे तेज दौड़ता है, लगभग 70 मील प्रति आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। थैंक यू सूर्या ओझा जी, थैंक यू वेरी मच। बी ऑप्शन आने लगे हैं बच्चों के, नवीन जी बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक भाई, अरे ये कौन बी ऑप्शन दे रहा है, बम फोड़ देंगे सर पे तुम्हारे लिए आके, बता दे बी ऑप्शन दे रहे हो। ये क्या होगा, 3×10⁵ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। ठीक है, और प्रकाश की चाल याद रखेंगे कि इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसके कण जो है ना, इसके खुद के कण होते हैं। ठीक है, जिसको हम फोटान कहते हैं, और ये उसी वेग से चलते रहते हैं। ठीक है, लाइट की स्पीड से। जब भी किसी मीडियम में इंटर करते हैं तो इनकी स्पीड घट जाती है। तो ये याद रखेंगे कि जो जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लाइट वेव्स होती हैं, चाहे एक्सरे हो, गामा रे हो, यूवी हो, विजिबल हो, इंफ्रा रेड हो, फार रेड हो, माइक्रोवेव्स हो, इन सभी में जो है फोटान चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बस ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई और लो होती है, लेकिन जो है जब भी ये किसी दूसरे मीडियम में, निर्वात में सबसे ज़्यादा इनकी चाल होती है, और जब भी किसी दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं, किसी भी मीडियम में, एयर में तो कम होगी, फिर उसके बाद जो है वाटर में इंटर करेंगे तो एयर से भी ज़्यादा कम होगी, और सॉलिड में इंटर करेंगे तो और ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इनकी चाल जो है क्या होती है, 3×10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वॉज गिवेन बाई। ठीक है, क्वांटम का सिद्धांत, प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से ऑप्शन में बताएंगे। बी ऑप्शन आने लगे हैं। बी ऑप्शन, बहुत अच्छा। ठीक है, तो प्लांक्स ने दिया था, प्लांक्स ने जो है क्वांटम का सिद्धांत दिया था। अच्छा, हुआ क्या था, जो प्लांक्स थे ना, इधर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, इनके क्वांटम का सिद्धांत जो है पूछा जाता है कि क्या था। देखते हैं कि जितने भी इसके पहले जो है, जब प्लांक्स के टाइम पीरियड के पहले जो है जितने भी जो है साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे अपने एज के, वो क्या बताते थे कि जो लाइट है ना, ये लाइट क्या है, लाइट एक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है वेव है जो सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, लेकिन जब प्लांक्स आए तो उनको ये लगा कि अच्छा, ये जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव के फॉर्म में चलती है, लाइट है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी आखिर कहाँ से आती है, और ये जो चीज़ों से टकरा के उसको गर्म क्यों कर देती है, और ये सीधी रेखा में क्यों चलती है। तो इन्होंने, जब ये वेव है तो सीधी, तो उन्होंने बताया नहीं सर जी, ये क्या है, इसमें जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, ये कुछ कणों से मिलके बनी होती हैं, जो इनका वेव, ये जो है वेव जो है ये कुछ विशेष कणों से मिलके बनी होती है। तो फिर जो है उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये कणों से मिलके अगर बनी है तो इस कण को जो है क्या कहेंगे, तो उन्होंने अपना नाम दिया उसको, इनको क्वांटा नाम दिया। क्या दिया, क्वांटा नाम दिया। क्या नाम दिया, क्वांटा, या फिर फोटान का नाम इसको दिया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि क्या ये कण जो है, हर एक जो है प्रकार की लाइट के कण जो है अलग अलग होते हैं, और लाइट जो है ऐसे कणों के रूप में चलती है जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और एनर्जी के पैकेट्स की एनर्जी जो होती है वो अलग अलग जो है वेव के लिए अलग अलग होती है। तो उन्होंने जो है, और साइंटिस्टों ने कहा कि ये बिल्कुल कहाँ से बकवास तुम जो है शुरू कर दिए, कि अभी तो हम मानते थे वेव है, तुम बता रहे हो पार्टिकल है, तो अच्छा ये बताओ कि इसकी एनर्जी क्या होगी। तब उन्होंने जो है अपना एक सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जो इनकी एनर्जी होती है वो जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, और जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है एच, जब हम इनकी एनर्जी निकालना चाहेंगे तो जो है प्लांक्स कांस्टेंट और इनकी फ्रीक्वेंसी का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, मिल जाती है। और हर एक वेवलेंथ के लिए जो क्वांटा या फोटान्स होंगे वो क्या होंगे, वो अलग होंगे, और उनकी एनर्जी फिक्स होगी। क्वांटा मतलब फिक्स होता ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्वांटा मतलब फिक्स एनर्जी पार्टिकल होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अब इसी से जो है उन्होंने जो एक और चीज़ डेराइव की, उन्होंने देखा कि ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो है एक उन्होंने जैसे देखो होता क्या है कि हम पढ़ते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है n इंटू लेमडा या फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा जो वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी लाइट होती है हमारी प्रकाश जो होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, ये जो है पूछा जाता है, इस पर जो क्वेश्चन भी आता है आगे जो है आप में जो है जब लाइट पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा वी अपान यानी कि वेलोसिटी वेग अपान जो है क्या होगा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, आवृत्ति बराबर वेग अपान तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी जो है लाइट होती है वो जो है किसके वेलोसिटी जितने भी जो है इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो इम्पल्स होते हैं जो आपका एक्सरे है गामा रे है वो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है लाइट के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि F = c/λ यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, और इसी के साथ जो है अगर हम देखें तो एनर्जी में हमने क्या प्रूव किया था कि प्लांक कंटेंट इंटू द फ्रीक्वेंसी, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे इसको हम ले आके रख दें तो ये क्या बन जाएगा E = हो जाएगा H × c/λ। यही प्लांक का कांस्टेंट जो है प्लांक कांस्टेंट का थ्योरम था। तो ये याद रखेंगे कि जो भी बताया था उन्होंने वो ये बताया था कि यहाँ पे प्रूव किया था कि लाइट का जो नेचर होता है खाली वेव का नहीं होता है, पार्टिकल का भी नेचर होता था। और इसी से जो है हमारे जो है ऑप्टिकल फिजिक्स में ठीक है बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे, प्लांक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, डेविएशन एंगल लेवेस्ट, सबसे कम विचलन जो है कोण किसमें किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे। 87 का ए ऑप्शन आने लगा, बी, डी, बहुत से बच्चों का बी ऑप्शन आने लगा है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, सूर्या ओझा जी डी ऑप्शन, भी भूपेंद्र जी रेड, गुड, वेरी गुड। इसका क्या होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड। हमने बताया था जब आपको पढ़ाया था कि विजिबल रेंज और उसके पास यूवी रेंज होती है, इसके नीचे जो है इंफ्रासोनिक, फार इंफ्रा और नियर इंफ्रा, दो तरीके के होते हैं। तो जो विजिबल रेंज होती है इसमें जो है सबसे ज़्यादा ब्लू की जो है फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम रेड की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी जो स्पीड होता है उल्टा होती है। तब जो है क्या होगा सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी इसकी अगर होगी तो इस सबसे जो है अधिक फ्रीक्वेंसी इसकी होगी तो इसकी स्पीड भी जो है क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम यानी कि वेवलेंथ बड़ी होगी तो इसकी स्पीड भी कम होगी, धीरे होगी। तो लाल रंग की स्पीड और फ्रीक्वेंसी, स्पीड कम होती है, फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है कम होती है, वेवलेंथ बड़ी होती है। ठीक है, और इसीलिए जो है क्या होता है यह बहुत ही लाल जो है धीरे धीरे चलता है, और जब किसी चीज़ से टकराता है तो ये स्कैटरिंग इसकी नहीं होती है और इसका डेविएशन ज़्यादा नहीं होता, ये अपने एंगल्स को ज़्यादा नहीं बदलता, सीधा सीधा निकल जाता है। और इसीलिए जहाँ पर दूर प्रकाश भेजना होता है बहुत ज़्यादा दूर, वहाँ पर रेड लाइट्स को लगाया जाता है ताकि यह कोहरे ओस वगैरह को चीरते हुए आगे निकल जाए। ये जो है क्या होते हैं बहुत ब्लू वगैरह, ब्लू वायलेट वगैरह बहुत तेजी से चलते हैं और इसीलिए टकरा के पूरे अपने पाथ को ही बदल देते हैं। तो डेविएशन एंगल इनका ज़्यादा होता है, जिसकी भी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसका जो है डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो है स्पीड जो है कम होगी, वो क्या करेगा वो कम डेविएशन शो करेगा। तो डेविएशन का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है ब्लू से रेड की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट एक जो है क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। हाँ गुड, सबसे ज्यादा ब्लू का होगा डेविएशन। गुड, वेरी गुड अरुण जी। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा नहीं है, 8 10 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ठीक है, डी ऑप्शन जो है प्रसन्नजीत जी, सुधीर जी, ये ऑप्शन बहुत अच्छा। आते हैं क्वेश्चन पे, लाइट ट्रांसफर्स वेव होती है विच ओनली इवेंट प्रूविंग दिस। ठीक है, कौन सा इसमें से एक इवेंट है जो ये बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। बहुत से बच्चों का ए ऑप्शन है, कुछ बच्चों का सी भी ऑप्शन है। तो ए और सी में देखते हैं क्या है। डिफ्यूज़न तो हो ही नहीं सकता है, डिफ्यूज़न एक मॉलिक्यूलर मोमेंट है, ठीक है, जो अपने डाउनहिल ग्रेडियंट में होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। यानी कि अणुओं की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से, जहाँ पे अणुओं की संख्या कम होगी उधर की तरफ अणुओं की गति को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न या विसरण कहते हैं। हिंदी में विसरण होगा, इसको गलत है, प्रसार नहीं होगा, डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेरेंस लाइट की एक जो है प्रॉपर्टी होती है, जब लाइट अपने वेव के फॉर्म में चलती है और दूसरी जो है वेव इसको जो है क्या करती है, इसके जो है क्रस्ट को या इसके टफ्ट को जो है क्या करती है, बढ़ा देती है या घटा देती है। तो एक वेव और दूसरी वेव जब इंटरफेयर करती हैं अपने जो है वेव से, एक दूसरे को जो है खींचती हैं या जो है फैलाती हैं, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ये ठीक ऐसे समझा जाता है कि ये एक वेव है, ठीक है, और एक ये दूसरी वेव है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, दोनों को जो है क्या कर रही है, यहाँ पे जो है क्या कर रही है, इंटरफियर कर रही है एक दूसरे से और इसके क्रस्ट और ट्रफ्ट को बढ़ा रही हैं। तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस की फिनोमिना है, ये नहीं इसमें काम आता है। पोलराइजेशन एक जो है बहुत ही अच्छी फिनोमिना है, जब भी हम जो है लाइट बीम को जो है किससे पास कराते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं, तो ये क्या करती है, ये जो है डेविएशन शो करती है, विचलन प्रदर्शित करती है, पोलराइज होती है, और इसीलिए हम इसको जो है बता सकते हैं कि एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है। यह प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव की दो प्रॉपर्टी होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, विचलित होती हैं, प्रभावित होती है उससे, और दूसरा जब ये चलती है वेव के फॉर्म में तो इनका जो वाइब्रेशन होता है, इनके पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन फोटॉन्स का होता है, वो परपेंडिकुलर टू द एक्स प्रोपगेशन पाथ होता है। जिधर की तरफ वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये जो है क्या करते हैं, टू एंड फ्रो जो है वाइब्रेट करते रहते हैं और वेव आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसको ध्यान देंगे। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, आगे चलते हैं। हाँ, इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है वो क्या होगा, अपवर्तनांक जो होगा वो, उसका फार्मूला किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं। 90 का डी आने लगा नीतीश कुमार जी, 90 का डी ऑप्शन आने लगा, बहुत अच्छे बच्चों। और भी ऑप्शन जो ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें, इसको खत्म करना है आज। ओम प्रकाश पटेल, डी ऑप्शन, बहुत लोगों का डी ऑप्शन, वेरी गुड। क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल अपान जो स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, जिस भी पदार्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है, और जो है अगर जो है वो सघन से जो है विरल में जा रही है तो अभिलंब से किधर हटेगी, अगर ये अभिलंब है तो सघन से अगर विरल में जा रही है, मान लो ये पानी है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, और जो है विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये इसको जो है हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। हर एक पदार्थ का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और उसको हम कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन जो है मैटर, जिस भी पर्टिकुलर मैटर में हमें निकालना होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिया रहता है, रख देते हैं, इस पे आ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस आएगा क्वेश्चन, इस पे भी आएगा, तो प्रैक्टिस किया जाएगा आगे की क्लासों में। वी सी द कलर ऑफ ग्रास एज ग्रीन बिकॉज, हम घासों को हरा देख सकते हैं क्योंकि जल्दी से बताएंगे। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट बैक टू आवर आईज, यह हमारी आंखों तक हरे रंग को जो है क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इट ऑब्जॉर्व द ग्रीन लाइट, या हरे रंग को अवशोषित करता है। बहुत से बच्चों का आने लगा। निशा जी ए ऑप्शन, अरुण जी डी ऑप्शन। जल्दी से आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 का है शिवम झा जी ए, ओम प्रकाश जी ए, अंकुर जी अंकुर श्रीवास्तव 91 का बी, बहुत अच्छा। एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, ठीक है, बी जो है इज नॉट अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हम कलर देखते हैं वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन से देखता है, या जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं जब तक उससे प्रकाश लड़ के हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसी को हम देख सकते हैं जिससे हमारे आंखों तक प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ जो है हम कलर वो देख पाते हैं जिस कलर को जो है पर्टिकुलर चीज़ जिससे लाइट टकरा के आ रही है वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करता हो। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर जो है क्या है रेड है तो ये क्या करेगी, रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, इस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देगी, अवशोषित नहीं करेगी। तो जो भी चीज़ अगर हमें हरी दिखाई दे रही है तो वो क्या होगी, वो हरे रंग को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उसको अवशोषित नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी जान जाइए कि जो आंखों वाइट कलर होता है, श्वेत कलर होता है, ये सभी प्रकार के रंगों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जो चलो थैंक यू, जो रेड कलर होता है वो सभी प्रकार के रंगों जो है, श्वेत कलर वो सभी प्रकार के रंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ब्लैक कलर होता है वो सभी प्रकार के रंगों को की वेवलेंथ को अवशोषित कर लेता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इन विच ईयर डिड द रोमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट टाइम। हिस्ट्री में पहली बार रोमर ने जो है कब जो है लाइट की स्पीड को जज किया था, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका, 2018 में यह पूछा गया था। ये ऑप्शन 92 का सी ऑप्शन, शिवम झा जी 92 का डी ऑप्शन, ठीक है, नहीं ये जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, ये सीधा सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। 1676 में लाइट की स्पीड जो है क्या कर दी गई थी, बताई गई थी पहली बार। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी से, इस क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, और क्वेश्चन इस पर सॉल्व भी होते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं। 6.626 इंटू 10 to the power 34 माइनस जो है जूल पर सेकेंड। तो किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो इसका मल्टीप्लाई जब हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी में करते हैं तो जो है क्या होता है उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वगैरह की भी एनर्जी निकाल लेते हैं इससे। एक डी ब्रॉगली थे, उन्होंने भी जो है प्लांक से जो है प्रेरित होकर अपना कॉन्सेप्ट दिया था डुअल नेचर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने भी बताया था चूँकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और जो है ये प्लांक्स जो का जो क्वांटा है वो उसके तरफ व्यवहार कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड भी लगभग लाइट की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। तो ये मान के चला जा सकता है कि ये भी बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसमें भी वेव के साथ एक पार्टिकल नेचर होना चाहिए। और इसी के हिसाब पे जो है उन्होंने अपनी एक आइडिया दिया था, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइडिया ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। इसके बाद ग्रामर वगैरह ने इसको प्रूव भी किया था, लेकिन जो है ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार का वेव यानी कि जो है तरंग और जो है कण वाली प्रवृत्ति पार्टिकल नेचर को किसने दिया था, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली को लगाएंगे, प्लांक्स मत लगा के चले आना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और प्लांक्स का जो कांस्टेंट है एच की वैल्यू जो होती है प्लांक्स कांस्टेंट की वो कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। आगे चलते हैं, इसका जो है आंसर ये है। हाँ, द थ्योरी बिलोंग्स बिहाइंड स्टार्स ट्विंकलिंग, तारों के चमकने के पीछे कौन सा सिद्धांत जो है कार्य करता है, जल्दी से बताएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय देम चेंजेस विद द टाइम, जो लाइट की तीव्रता समय के साथ साथ बदलती रहती है। द लाइट फॉर्म द स्टार स्कैटर्ड इन द डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल में छितर जाते हैं, ठीक है। और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सभी अलग अलग जल्दी से ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, बहुत सही बच्चों। कुछ लोगों ने, रानी सिंह ने ए ऑप्शन दिया है, प्रसूनजीत ने ए ऑप्शन, बहुत सही। लालिमा जी ने सी ऑप्शन, ठीक है। शिवम कुमार ए ऑप्शन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। ए जो है क्या होगा, ए इज मच बेटर। होता क्या है कि डिफरेंट लेयर जो होती है अर्थ की, वो उसका जो है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अभी बताए थे कि जो है हवा में जो है प्रकाश की चाल बटे जिस भी लेयर, जो भी लेयर है गैस की, उसमें जो है प्रकाश की चाल अगर हम जो है कैलकुलेट करें दोनों का डिवाइड करके, तो क्या होगा, उनकी लेयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पा सकते हैं। तो इन सब के सारे एक लेयर का जो है आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जो है एक्सोस्फीयर, ठीक है, ये सबका जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसीलिए जो है लाइट जो है डेविएट करते हुए आती है, अपने पास से हटते हुए आती है, और बार बार वो तारा टिंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why does the piece of cloth, एक कपड़े का जो टुकड़ा जो है, appears green in sunlight, जो है सूर्य की रोशनी में हरा दिखाई देता है, अपीयर ब्लैक वेन इट इज व्यूड इन द अंडर रेड लाइट, लाल रोशनी में यह जो है कैसा, काला क्यों दिखाई देता है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अरुण यादव जी ये ऑप्शन आने लगा, विजय जी ये ऑप्शन, मिथुन कुमार जी ये ऑप्शन, ऋषिकेश जी ए ऑप्शन, लालिमा जी ए ऑप्शन, प्रसन्नजीत जी ए ऑप्शन, शाह जी ए ऑप्शन, रश्मि जी सी ऑप्शन, निशा जी ए ऑप्शन, सूरज जी बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसमें जो है हरा दिखने वाला सनलाइट में कपड़ा जो है काला जो है रेड लाइट में क्यों दिखाई देता है? तो इसका कलर यही होता है कि ये वेवलेंथ को, रेड कलर के वेवलेंथ को जो है क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका भी वही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स सी द स्काई फ्रॉम स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ठीक है, स्पेस से एस्ट्रोनॉट्स को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जल्दी से ऑप्शन देंगे। नीतीश कुमार जी ए ऑप्शन 95 का, निशा जी ए ऑप्शन, रवि जी ए ऑप्शन, बलराम जी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, सही हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका ब्लैक होगा, ठीक है। जिसने भी जो है हॉलीवुड की साईफाई मूवीज़ देखी है, गैलेक्सी, ग्रेविटी वगैरह देखी है, मंगल मिशन, मंगल देखी है, ठीक है, मार्स, मार्सियंस देखी है, ये सारे जो है उसमें दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी फिल्में हैं और एक अच्छा माहौल जो है स्पेस का दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट द सम इज विजिबल 2 मिनट्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस तथ्य के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि योग वास्तविक में सूर्योदय से 2 मिनट पहले जो है सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। जो मतलब सनसेट है, सनराइज है, यह 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद होता है एक्चुअल। तो वो जो है चीज़ें कैसे होती हैं, उसके पीछे क्या फिनोमेना काम करती है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में आंसर। विवेक जी ए ऑप्शन आ गया, ओम प्रकाश पटेल जी डी ऑप्शन, विजय जी सी ऑप्शन, अरुण जी बी ऑप्शन, अजीत जी डी ऑप्शन, रवि जी, काजल जी डी ऑप्शन, सबका डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या कह रहा है, जब जो है सूर्य रिफ्रैक्शन ही होता है, लेकिन जो है रिफ्लेक्शन होगा नहीं। यह जब किसी प्रकाश की किरण जो है किसी समतल पृष्ठ से टकरा के बिल्कुल वापस होती है, ठीक है, तब जो है इसको रिफ्लेक्शन करते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय एटमॉस्फेयर वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक ये उदाहरण है। तो सनलाइट स्प्रेड स्मॉल वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। एटम्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वही होता है कि जब किसी माध्यम से लाइट जो है दूसरे माध्यम में जाती है तो डेविएट होती है, लेकिन जब ज़्यादा 90 डिग्री पे डेविएट होती है तो उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हम बताए थे आप लोगों को, इसीलिए जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर है तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन वहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल जो आप देखते हैं कि जो है ये अर्थ है बड़ी सी, और यहाँ पे आप अगर खड़े हो और सनसेट हो गया तो भी जो है सनसेट धीरे धीरे होता हुआ दिखाई देता है, या सूर्योदय जो है अभी नहीं हुआ है, सन यहाँ पे है तभी सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। ये फिनोमिना जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की है, ये एक रिफ्रैक्शन की ही फिनोमिना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री पे जो है लाइट पूरी की पूरी अपने ही जो है मीडियम में डेविएट हो जाती है। और ये होता क्यों है कि वायुमंडल में जो पानी वगैरह की बूंदें पाई जाती है उसी से जो है ये फिनोमिना होती है। तो ये एक रिफ्रैक्शन की फिनोमिना है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, 90 डिग्री पे हो जाती है, 90 अंश पे हो जाती है, तब इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, लेकिन जो है ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। 97 इज द इशू इन येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट, ठीक है, कौन सा जो है इज यूज्ड टू, सॉरी कौन सी जो चीज़ इसमें यूज की जाती है येलो लैंप स्ट्रीट लाइट में, ठीक है, पीले रंग की जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें। ये ऑप्शन आने लगे हैं, हाँ, दोनों में होता है, ठीक है, दोनों, डायमंड में होता है और डिजर्ट में भी होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है बच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, याद रखेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये उसमें ऐड करिए अपने नॉलेज में निशा जी, ठीक है। पंकज यादव डी ऑप्शन। चलिए, इसका क्या होता है, इसमें सोडियम भरी जाती है, उसको सोडियम लाइट भी कहते हैं जनरली। अगले जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन है। एट व्हाट मीडियम डज द लाइट ट्रेवल एट द मैक्सिमम स्पीड, ये निर्वात में चलती है, वैक्यूम में, अभी बताया मीडियम जैसे ही आ जाता है तो जो है इसकी स्पीड लो हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट आल्सो एक्सप्रेस बाई इट्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट डेंसिटी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बी ऑप्शन बहुत सही राकेश कुमार जी, बी ऑप्शन इसका जो है क्या होगा, सही होगा। जो किसी भी मीडियम के लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, लाइट डेंसिटी से नापा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द सीवी रमन, सीवी रमन ने जो है के बारे में क्या था, ठीक है, तो ये जो है आप जल्दी से ट्राई करेंगे, इसको जल्दी से कमेंट में इसके आंसर आने चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे। नितिन कुमार बी ऑप्शन, प्रेम बुलबुल मैथ बी ऑप्शन, जल्दी से अनिल कुमार जी बी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन लालिमा जी, ठीक क्या है, ये सही है, हाँ, ही वॉज अवार्डेड एट द भारत रत्न, ठीक है, ये भी सही है, नोबेल प्राइज से भी उनको सम्मानित किया गया था। ही वॉज बॉर्न इन 1908 इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के ही थे, ठीक है, ये सही नहीं है। नाइटहुड की उपाधि जो है किसको दी गई थी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जल्दी से। ये जो है मेडिवल हिस्ट्री से है, भारत और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है, भारत और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है एक, जो है कि नाइटहुड की उपाधि जो है किसको दी गई थी, ठीक है, टैगोर जी को, गुड, वेरी गुड लालिमा जी, टैगोर जी को ही दी गई थी। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ जो है ये आपके 100 क्वेश्चन जो बहुमूल्य थे वो ख़त्म हो गए, और आगे से जो है हम आगे वाले चैप्टरों में फिजिक्स के न्यूमेरिकल और साइंस के वो जो बचे हुए बायो के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। घबराइए मत, बिल्कुल जो है आपके सारे लगभग टॉपिक अच्छे वाले कवर हो चुके हैं। एक बड़ा जो है क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आपका आज ख़त्म हुआ है, इसके लिए जो है आप ज्वाय कीजिए, बकअप कीजिए, और आप सभी को मेरी जो है शुभकामनाएँ हैं। आप अपने अच्छे मार्क्स से जो है अपने एग्ज़ाम में स्कोर करें और अच्छा परफॉर्मेंस से। इस लेक्चर्स की सारी पीडीएफ जो एमडी क्लासेस के लेक्चर्स की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी पीडीएफ्स आप एमडी क्लास ऑफिशियल ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, सारी लाइव क्लासेस जो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पर डाउट्स हो फिर से जाएँ, देखें, फिर से जो है पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड नाइट।